So I am Harshwardhan. I'm from CSE 4. So I will be the speaker for today's. Okay. I am Shreyansh, will be the speaker for today's. Welcome, guys. Or workshop. Our aim will be to basically just tell you the basics of Linux, and then you can means it will help कि आप अगली जो workshops हैं उसमें आपको आसानी होगी. एंड लिनक्स एक ऐसी चीज है जो खुद से जब तक नहीं करो आपको ना मजा आएगा ना आप सीख पाओगे. तो हमारा एम बस ये रहेगा कि आपको आपका इंटरेस्ट जगा पाए लिनक्स में एंड आपको हेल्प कर पाए आगे की वर्कशॉप समझने के लिए. थैंक यू. Okay, this is Shreyansh from CSE. Starting with the introduction to Linux, Harsh, can you proceed with the slides with introduction? Okay, sure. Okay. That's. So, is my screen visible? Yeah. Yes, sir. So we will start from what is Linux. So basically Linux जब हम बोलते हैं तो Linux is not an operating system. Linux is just a kernel. Means if I tell you in terms of a car, तो गाड़ी का जो इंजन होता है that is Linux, and then outer की जितनी भी चीजें हैं that is just for beautification and other things. तो उस पर अपन आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे. तो Linux in short terms is just the kernel. It is not the operating system. Now we come to Linux distributions. This is your operating system. So this includes in a car like आपकी body and looks, gearbox, everything. So when you install Ubuntu for that, it is a Linux distribution which includes your desktop environment, your kernel, other libraries like जितने भी compilers and everything. We will get on to this soon, so don't worry about ये शब्द like window manager क्या होता है, desktop environment क्या होता है. So इन अभी जो recent Linux चल रहे हैं उसमें से 5 जो commonly used है space हैं. एक I will just window बंद करके आ रहा हूँ एक. हमारे पास 5 बेसिक कॉमनली यूज बेसिक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हैं. तो इनमें क्या होता है कि काफी लोगों ने सुना होगा कैली लिनक्स एंड पैरेट, उबंटू और भी बहुत सारे हैं. तो ये जो ओएसएस हैं ये किसी एक दूसरे डिफरेंट बेस लिनक्स पे बेस्ड होते हैं. तो इन टर्म्स अगर कैली देखें या पैरेट देखें, ये दोनों सिक्योरिटी बेस्ड और काफी वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये सब बेस्ड ऑन डेबियन है. तो डेबियन ने क्या किया कि बेसिक लाइब्रेरीज एंड सेट ऑफ एक बेस सेट कर दिया कि ये है एक्सट्रीमली बेसिक सेटअप, इसके साथ तुम्हें जो भी ऊपर बनाना है तो आप बना सकते हो. तो फ्रॉम वो कैली और पैरेट इन सब वर्सेस ने ये उठाया एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने अपना कॉन्फ़िगरेशंस एंड जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं फॉर एथिकल हैकिंग या सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग वो उन्होंने डाल दी एंड दे हैव गिवन यू ऑपरेटिंग सिस्टम कि ये लो तुम ये यूज करो. एंड वेरी गुड थिंग विथ लिनक्स इज कि ये कोई भी बना सकता अपने हिसाब से. चाहे तो आपको बनाना, आप अपना खुद जो जो आपको टूल्स लगते हैं आप अपना बना के कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं. तो हर बेस लिनक्स की एक अलग प्रोज एंड कॉन्स होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट यूज करते हैं जो भी बनाने वाला. तो लाइक सेंटोएस और रेड हैट लिनक्स है, ये है मोस्टली सिक्योरिटी बेस्ड ओएस. तो सर्वर या फिर जहाँ पे भी सिक्योरिटी की जरूरत है अपना डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे ये सब यूज होता है. एंड सबके अलग अलग हैं. आई वुड रिकमेंड कि आप खुद चेक करो ये सब, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा और मज़ा भी आएगा अलग अलग ट्राई करना में. देन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स. डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इज योर GUI. फॉर एग्जाम्पल आपने देखेंगे हर अलग लिनक्स का थोड़ा डिफरेंट सा लुक होता, लाइक हाँ ये एक उबंटू की मशीन है, लाइक इसका थोड़ा जो यूजर इंटरफेस है इट इज डिफरेंट फ्रॉम अगर आपने कॉलेज में यूज किया है, ये यहाँ पे नहीं होता अपने कॉलेज वाले में, क्योंकि वो उबंटू का दूसरा वर्जन है तो उस पर दूसरा लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट चालू है और बहुत सारे हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी जो प्रेफरेंस है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, पैकेज मैनेजर, दीज आर जितनी भी चीज़ें हैं ये सब थ्योरी वाली, ये सब हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में अवेलेबल होती है एंड सब आप कंफिगर कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको ये वाला डेस्कटॉप एनवायरनमेंट चाहिए तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, बेस आपको फॉर एग्जांपल उबंटू नहीं चाहिए आर्च चाहिए तो आप वो उठा सकते हो, कोई किसी को कोई रोकने के लिए नहीं है आपको, ये फ्रीडम आपको लिनक्स में मिलता है वेयर एज विंडोज में ये नहीं है। पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर इज बेसिकली अ टूल जो आपको और एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने में मदद कराता है। जैसे हम लोग विंडोज में जाके एक उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट उबंटू या लिनक्स हम लोग को क्या करता है कि सीधे आपको टर्मिनल में दे देता है कि आप, आपको पैकेज का नाम पता है आप सीधे सीधे इंस्टॉल कर लो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टर्मिनल, तो यू वांट टू इंस्टॉल फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है एच टॉप करके, वी विल गेट ऑन टू दैट आगे, सो इंस्टॉल करना है तो बेसिकली बस ये डाल दो, इट विल इंस्टॉल योर टूल डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू उनकी वेबसाइट और ढूंढना डालना, एंड डायरेक्टली यहीं से आपके सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते रहेंगे अपने आप, नो नीड ऑफ गोइंग टू वेबसाइट से उनकी अपडेट डाउनलोड कराने भी है। ये काफ़ी ईज है इन यूजिंग लिनक्स। तो वाई यूज और लर्न लिनक्स, सो अभी जितने भी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में अगर किसी ने लिया है एज अ स्पेशलाइजेशन तो उनके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक जो सर्वर स्पेस है वो 96% लिनक्स से कवर्ड है। तो इफ़ यू नो लिनक्स तुम्हारे पास एक 96% कंपनीज ज्वाइन करने का ऑप्शन है तुम्हारे पास, वेयर एज अगर तुम्हें नहीं आता देन यू विल मिस आउट ऑन दैट एंड विंडोज की साइड जाना पड़ेगा। इट इज़ फ्री ओपन सोर्स, तो पैसा नहीं देना पड़ता, वेयर एज विंडोज के लाइसेंस खरीदो एंड वो काफ़ी इसी रीज़न की वजह से लिनक्स सर्वर स्पेस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज हर सर्वर के लिए अलग लाइसेंस नहीं खरीदना पड़ता। कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है, सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन फॉर एग्जांपल तुम्हारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है यू पोस्ट इट ऑन देयर फोरम्स और वो तुम्हें सोल्यूशन देंगे विद हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई, इस वजह से तुम्हें समझ आएगा तुम्हारा कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, अंदर तक समझ आएगा हार्डवेयर लेवल तक कि कैसे हर चीज़ तुम्हारा पीसी वर्क करता है, और सीएसई वालों के लिए काफ़ी आई थिंक इम्पोर्टेंट है और मज़ा भी आता है वो करने में। देन स्टेबल एंड सिक्योर, स्टेबल है एंड आइडियल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, बिकॉज अगर तुम कोई भी लिनक्स इंस्टॉल करते हो उसके साथ तुम्हें टूल किट इंस्टॉल मिलती है। टूल किट इज बेसिकली जो तुम्हारे कंपाइलर्स हैं सीपीपी पाइथन जो भी फेमस डेली यूजेज वाले कंपाइलर्स हैं सब आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं विदाउट नीडिंग टू इंस्टॉल, वेयर एज विंडोज में आपको ऊपर से इंस्टॉल करना पड़ता है। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलिंग अ कंपाइलर एंड फिर लिंकिंग इट विद अदर प्रोग्राम, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है और ठीक से हमेशा काम भी नहीं करता। प्लस बिकॉज सर्वर स्पेस है 96% तो तुम्हें वो रहता है कि अगर तुम अपनी ऐप बना रहे हो लिनक्स पे तो यू नो कि इट विल वर्क ऑन 96% ऑफ सर्वर्स। बस और प्राइवेसी इज अ वेरी बिग पॉइंट अभी के समय में, विंडोज कभी भी इंस्टॉल करते हो तो वो पीसी में चीज़ें लेता है एड्स के लिए, वेयर एज लिनक्स फ्री ऑफ एड है और कोई भी डेटा नहीं लेता यूजर का। बस फिर ये लिनक्स और विंडोज का इट इज कंपैरिजन, लिनक्स ओपन सोर्स है विंडोज क्लोज सोर्स है, तो इसमें फ़ायदा ये है कि लिनक्स में कोई भी मीन्स डेटा नहीं ले सकता, प्राइवेसी वाला रीज़न काफ़ी ज़्यादा, अगर जैसे विंडोज़ है विंडोज़ में हम लोग को पता है कि वो डेटा ले रहे हैं लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कितना ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं एग्जैक्टली और कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वेयर एज लिनक्स ओपन सोर्स है पूरा कोड बाहर है, सो यूजर्स नो कि कोई डेटा हमारा फालतू में नहीं चुरा रहा है, ऐसा कुछ। लिनक्स काफ़ी कस्टमाइजेबल है, बहुत से ऑप्शंस हैं, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स और बेस ओएसएस एवरीथिंग। लिनक्स सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कि एट सब वे, तुम्हें कौन सा ब्रेड चाहिए, तुम्हें कौन सा सॉस चाहिए, तुम्हें कौन सा चिकन चाहिए, सब तुम्हें ऑप्शन मिलता है। वेराज विंडोज में ऐसा कुछ नहीं मिलता, जो है वही यूज़ करना। लिनक्स काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, वो कहीं भी चल सकता है, मीन्स 16 MB की रैम पर भी। मीन्स तुम्हारे यहाँ हर तुम्हारे राउटर से लेके अगर स्मार्ट फ्रिजेस हैं, हर जगह चलता है लिनक्स और कहीं भी चला सकता है। प्राइवेसी फ्रेंडली है वो तो हो गया। एंड लिनक्स इज सिक्योर क्योंकि कम लोग यूज़ करते हैं और जैसे ही अगर कोई वल्नरेबिलिटी आती है वो विद इन आवर्स फिक्स हो जाती है, उसका पैच अवेलेबल होता है। वेयर एज विंडोज़ में रिलीज करने में भी टाइम लगता है पैच, बिकॉज क्लोज सोर्स है तो बहुत सारे लोग उसको ऐड नहीं कर सकते हैं कोड एंड एवरीथिंग। तो ये टाइप्स ऑफ शेल्स हैं अलग अलग। ये बिगनर लेवल इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इट इज़ जस्ट जो आपको शेल, ये टर्मिनल जो है इस पर शेल्स आते हैं, जैसे बैश है, एसएच है, ये अलग अलग टाइप के शेल्स हैं। ये जब आप आगे एंटर करोगे और थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओगे लिनक्स, तब इट इज बेटर टू लर्न अबाउट दिस। सो अब है लिनक्स कमांड्स वाला पार्ट। तो आई होप कि ये इंस्टॉल कर लिया होंगे सब ना, वीएम एंड एवरीथिंग। ये चैट में भी डाल सकते हो। हाँ हाँ माइक। सी वो बेटर की बात नहीं है। वीएम में इफ यू हैव ये रिसोर्सेज, लाइक अगर आपके पास रैम है और प्रोसेसिंग पावर है, so VM is all time better. In pen testing, see, वो वही सेम ही बात आ जाती है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं VM चलाने के लिए स्मूथली, देन VM आप यूज़ कर सकते हो, और आपको अगर विंडोज नहीं छोड़ना है तो। Whereas अगर आप विंडोज छोड़ सकते हो, अगर आपको फुल ये चाहिए एक्सपोजर टू लिनक्स, तो आई वुड रिकमेंड ना ही लाइव बूट ना ही VM, थोड़ा और घुसो एंड इंस्टॉल डुअल बूट कर लो अगर आपको तुरंत विंडोज नहीं छोड़ना है। एंड आफ्टर थोड़ा टाइम आप चाहो तो विंडोज भी हटा सकते हो एंड फुली शिफ्ट डाउन प्लेस, वो आपकी चॉइस है। बेसिकली USB लाइट बूट इज फॉर अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है आपसे VM चलाने के, देन यू कैन, वो USB लाइट बूट वाला ऑप्शन विल बी वे बेटर देन VM। ना ही लैग होगा ना ही कुछ। से और कुछ डाउट है? हाँ श्योर। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, वी विल मूव ऑन। चेंज? हाँ प्रेजेंट। ओके, मैं ही करूँ? नहीं, मैं करता हूँ। हाँ, तो मैं बंद करूँ। ओके, विजिबल है? हाँ विजिबल है। ओके, स्टार्टिंग विद द लिनक्स कमांड्स, सबसे पहला टॉपिक आता है लाइक मैनुअल पेजेस, जिसमें सारी चीज़ें रहती है, लाइक एग्जांपल किसी भी टूल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम लोग मैन के थ्रू निकालते हैं वो, ठीक है। बेसिकली स्टार्टिंग विद मैन इटसेल्फ, तो मैनुअल की इंफॉर्मेशन इटसेल्फ वहाँ पे लाइक सारी चीज़ें रहती है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, क्या कैसे यूज़ करना है, टूल्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मूविंग ऑन विथ सीडी। ओके, सीडी इज चेंज डायरेक्टरी कमांड, इट इज़ यूज टू चेंज करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, सो वी विल बी डूइंग लिस्टिंग There we can see desktop, documents, downloads, music, pictures. These are the folders. Moving on, we use CD and we will specify the directory which we want to move in. So I specify CD downloads. So we are in the present working directly. We are in the downloads folder. Okay. And moving with make directories. Command in Linux allows the user to create directories. Like you can make directories, basically you can say folders, okay, in Windows. And using make directories, we can use make directory command, and specifying its syntax is mkdir space the folder name. Okay, I'm specifying it as ppt. Okay, ppt is already existing there. ABC folder. And okay, so we can see the directory is made ABC. And now moving on to touch. Touch is used to create a file without any content, like text, simple text file. So we can use easily touch for making files, like touch command. Its syntax is touch space your file name. It can be multiple files at the same time, like 1, 2, 3, 4, its file name, and it's been created under downloads folder. So you can see that touch is used to create files with the specific name that can be a multiple files or single file only. Then moving on to remove. RM is the command shortcut, and the syntax is remove space that file name. Okay, so as we have made 1, 2, 3, 4 and a.txt in the downloads folder, we can remove any of the file. So using that command, you can see like 1 and 2 file has been removed from the downloads folder. So basically RM is the remove command for the Linux removing of files. Then moving on to move. Move stands, MV stands for move, where you have to specify like move space source destination, you have where you want to move that file. So like moving 3 and 4 to like ABC folder, you can specify. Then moving to ABC folder, after that you will go into that directory and listing. You can see like 3 and 4 files have been moved to ABC directory under downloads folder. Okay, and pwd, that's pwd is the present working directory, the directory at which you are currently working at. So pwd gives you out like you are at the home under user under downloads, and then ABC folder. It specifies your present working directory. And okay, what about ping? The ping command lets you verify that you have a network connectivity with another network device, and it checks like if you ping, like I'm pinging my local host. So it's connected, it's showing like I have the internet access to my local host, like I can access my local host. It can be pinging to like Google services too, like DNS, when you specify for the DNS specifically. Okay. Control C you can use to close that particular process of pinging. Then moving on, we have FTP. So it can be anonymous FTP or an open FTP, like anonymous FTP and closed FTP servers also. FTP is basically file transfer protocol. For that, like you can use man for FTP too, to know what is FTP and what are its uses. And moving on, you can use like FTP server specific address, like you can use that IP address for the FTP access. Like for the localhost, it's been closed. For like you can use speedtest.tele.2.net with specific IP address. You can do that anonymous login. Now moving on, SSH. SSH stands for secure shell. It is a protocol used to securely connect to a remote server system. Its basic syntax is SSH user, that is username, @ IP address, that is the IP address of the site. Like if you are using, like you can go through Over the Wire labs, there you have SSH connections Okay, we can use this to, just a second, I have to exit. Okay, we can use SSH connection for establishing. Before that, it will ask you to connect through its fingerprinting servers. Then moving on, password is bandit 0 itself, and that's all. You are connected to the SSH connection bandit 0, that is Over the Wire Labs. You can use this. Okay. Now moving on, editors like gedit you have been using in first year classes, and the Pluma editors you can see in the Parrot operating system itself, Pluma editors. For editing purposes, you can use this. And moving on, sudo command. Sudo, like sudo password is used for changing the password of the current user, like sudo. So you can set like new password for the user. You have to type 2 times, then configure. Yeah, that's what. Password has been updated successfully. Basic command is sudo password and then user, like username, what is the username for that particular. Then what is who am I? Using who am I to find out who you are logged in as or who is logged into an unmanned Linux terminal. Like it's basic command, you can type who am I, and you will get to know that you are the user, not the root. Now moving on to root permissions, you can check once again who am I, and you get to know that you are the root user for the session. Moving on to echo. Echo command prints a string of text to the terminal window. Echo is like a string of text. It can print like if you are typing echo geeks for geeks or something, what you can write. So it gives the string output that is geeks for geeks basically. And okay, Harsh. Hello. हाँ. You can take over with head and tail. Questions हैं क्या अभी किसी का? वो false पड़ा था फिर आप पे चलता। Files का extension होगा. It's basically a plain text file. You can provide it with the extension name also, like touch then file name dot extension name. What you want, Himanshu? Any more questions? And by the way, अगर आप लोग की VM या live set है तो आप उन पर try कर सकते हैं, अगर set है तो. So we can, और speed अगर ज़्यादा है तो आप बोल सकते हो कम करने के लिए. या अगर कुछ part अगर नहीं समझ में आया तो I can repeat that also. Okay. So Harsh, you can take over with head and tail. You can present now. So visible? Yeah. So head or tail basically कमांड्स हैं किसी भी एक फाइल की स्टार्टिंग की अगर तुम्हें लाइन चाहिए या फिर एंडिंग से कुछ पार्ट चाहिए तो वो आप ले सकते हो. बेसिकली अपने को ये काम आता है इन टर्म्स जब हम लोग अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है कोई तो लॉग्स, एरर लॉग्स या फिर कोई और लॉग्स देखने के लिए काम आता है. तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ एनिमल्स लिस्ट, ठीक है, जिसमें काफी सारी एंट्रीज हैं. तो अगर हम लोग को फॉर एग्जांपल सिर्फ स्टार्टिंग के 5 एंट्रीज चाहिए सो वी कैन टाइप दिस. द सिंटैक्स इज कमांड का नेम, और ये सिंटैक्स आपको हर उसमें हर कमांड में दिखता है. लाइक पहला शब्द होता है यो कमांड का नेम, कमांड या टूल का नेम, उसके बाद उसके फ्लैग्स ये जैसे -n -r, ये अलग अलग फ्लैग्स होते हैं हर एप्लीकेशन के, जो उनको मदद करते हैं कि आप समझाने के लिए आप क्या चाह रहे हो। जैसे ये -n है, इसका मतलब है कि और फाइल आप चाहो तो, और ये जितने भी फ्लैग्स हैं हर फाइल के, ये आपको उनके मैनुअल पेजेस में मिल जाएंगे। ये जैसे क्या लाइन्स वाला जो मैंने अभी बताया, एंड बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं हर टूल के अंदर। सो वर्सिटिलिटी बहुत है लिनक्स के टूल्स में। अगर मैनुअल से नहीं जाना तो मोस्ट कमांड्स हैव ये हेल्प वाला फ्लैग, तो आप हेल्प डालोगे तो उसकी बेसिक हेल्प मैनुअल जितनी इंफॉर्मेशन तो नहीं रहती, लेकिन जो तुम्हें बेसिक यूज है टूल का वो आपको मिल जाती है। जैसे अभी हमने लाइन यूज किया था वो सब मिल गई, तो हेड हो गया। सिमिलरली टेल है, टेल से नाम से ही समझ आ रहा है, इट विल बी एंडिंग की लाइंस। इसमें भी डिफॉल्ट 10 लाइंस रहती हैं एंडिंग की, एंड इफ यू वांट नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल 5 लाइन चाहिए या 6 लाइन चाहिए फॉर एग्जांपल, तो ये आपको मिल गए। ये सिर्फ लॉग्स के लिए नहीं, अगर आप बैश प्रोग्रामिंग इन फ्यूचर सीखते हो तो उसमें भी काफ़ी काम आता है। और नहीं तो अगर आप लिनक्स ज्वाइन करते हो, थोड़ा पसंद आया, देन यू कैन ऑटोमेट थिंग्स लाइक, काफ़ी ऑटोमेशन की चीज़ें हैं। एंड वन मोर थिंग कि जितने भी कमांड्स हैं सबके जो नेम है और उनका जो काम है काफ़ी सिमिलर है। जैसे अभी हम लोग ने मूव और कॉपी देखा, एमवी और सीपी देखा, तो दीज आर मूव एंड कॉपी, नाम से ही पता चल रहा है, तो उनका काम भी पता चल जाता है। देन वी विल मूव ऑन टू पासवर्ड डी। ये भी थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल कमांड है। दिस इज व्हेन आपको आप यूजर बनाते हो एंड आपको उसका पासवर्ड सेट करना या चेंज करना थ्रू टर्मिनल, नॉट थ्रू GUI। तो ये जैसे अपन सर्वर लिया फॉर एग्जांपल, फॉर योर वेब सर्वर लिया, तो उस पर अगर पासवर्ड चेंज करना है तो हम लोग को GUI कभी नहीं मिलती। वी ओनली गेट अ SSH कनेक्शन टू आवर मशीन। तो आप उससे कनेक्ट करो एंड एवरीथिंग जो करना यू डू इट थ्रू अ टर्मिनल, और एंड नो GUI, बिकॉज GUI करने का इंस्टॉल करो एंड वो बैंडविड्थ लेगी एंड वो एक्सट्रीमली स्लो रहेगा बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। दैट्स ऑल। तो अगर बनाना है वी विल यूज दिस कमांड आफ्टर वी क्रिएट अ यूजर। आई थिंक है यूजर ऐड, नहीं तो एट द एंड ऑफ कमांड आई विल टेल यू दिस पासवर्ड वाला कमांड। नाउ PS इज अ कमांड जो आपको जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं आपके PC में या आपके मशीन पे सब दिखाता है। लाइक फॉर एग्जांपल PS नॉर्मली अगर आप डालते हो तो जो आपके इस टर्मिनल पे चल रही है, जो आपका रनिंग उस टर्मिनल से इतनी भी एप्लीकेशन चल रही है वो दिखाता है। जैसे ये बैश है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टाइप ऑफ शेल है, तो वो आपको मशीन के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो अब फॉर एग्जांपल वी वांट टू सी प्रोसेसेस जो पूरी मशीन पे चल रहे हैं, नॉट ओनली दिस टर्मिनल। सो वी यूज अ फ्लैग -e। इससे यूज तो इतनी चीजें चल रही हैं, यू कैन सी सब कुछ, जितना भी जितने भी यूजर सब देख रहे हैं। तो ये हम लोग को अगर फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन आपके लैपटॉप में रैम बहुत खा रही है या CPU बहुत खा रही है, तो आप देख सकते हो कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो फालतू में चल रही है या फिर फालतू का रैम वैम खा रही है, या जो जरूरत नहीं है आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। ऐसा ये आपको काफ़ी एडवांटेज है विंडोज से। वेराज विंडोज में फॉर एग्जांपल एक ऐप चल रही है जो सिस्टम बेस्ड है, जो आपको नहीं चाहिए, सो यू कैन एंड टास्क इट, मतलब आपको क्लोज नहीं कर सकता। वेराज आपको लिनक्स में फुल अथॉरिटी मिलती है, लेकिन दिस अथॉरिटी कम्स विद क्या बोलूँ मैं, प्रॉब्लम कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा वो नहीं हो इन डेप्थ टू लिनक्स, जो आपको स्टार्टिंग में आएगी, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, तो आप जो सिस्टम लेवल चीज़ें हैं वो आप बंद करोगे तो आपका लैपटॉप क्रैश हो सकता है। सो इट इज़ नथिंग, बस वो लैपटॉप बंद हो जाएगा, रीस्टार्ट करोगे तो वापस चालू हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो जब आप खेलना चालू करोगे लिनक्स का तब आपको समझ आएगी धीरे धीरे चीज़ें। मुझे भी फुल 100% कभी कभी कोई चीज़ें नहीं समझ आती, जबकि मैं अराउंड 2 ईयर से यूज कर रहा हूँ लिनक्स ऑन फुल टाइम, नो विंडो। सो इन स्टार्ट आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मेरे लिए नहीं है लिनक्स, बट आई वुड रिकमेंड कि उस पॉइंट पे मत छोड़ो, ट्राई यूजिंग इट मोर। अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा देन इट माइट बी हाँ अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, आपको चेंज करो। इन दी स्टार्ट अगर नहीं समझ आ रहा तब मत छोड़ो, थोड़ा टाइम दो उसको। So then they will come on to uname. Uname is like आपको पूरे तुम्हारे पीसी की दे देता है इंफॉर्मेशन, like क्या कर्नल चल रहा है उस पर, क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई थिंक वो नहीं, वो यू नहीं, यूनेम सिर्फ आपको कर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा कर्नल चल रहा है। लिनक्स के वर्ल्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कर्नल वाली साइड, तो सेम अगर आप ज्वाइन करते हो आगे तो आपको समझ आएगा धीरे धीरे। एंड देयर आर मेनी डिफरेंट कर्नल्स, वो उसके ऊपर एक पूरी 2 घंटे की अलग वर्कशॉप हो सकती है, सो उस पर अपन नहीं घुसेंगे अभी। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड, किल। किल एंड किल ऑल, ये 2 कमांड्स हैं जो कि काफ़ी सिमिलर हैं, बस एक चीज़ का डिफरेंस है। सो किल कमांड क्या करता है कि आपको आपकी जो प्रोसेस है उसको किल कर देता है, जैसा नाम है। बट किल और किल ऑल में फ़र्क ये है कि किल यूज करता है आपकी प्रोसेस आईडी। ये जो लाइन से हर प्रोसेस का ये जो नंबर दिया दिख रहा है आपको, दिस इज योर प्रोसेस आईडी हर प्रोसेस की, एंड दिस इज द टाइम कि कितना टाइम से चल रहा है वो एंड एवरीथिंग। वो पीएस से आया था, वो आप देख सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आई विल ओपन अनदर, एक और टर्मिनल खोलता हूँ। सो ये मेरी वीएम से कनेक्शन हुआ है मेरे मेन लैपटॉप से दिखाने के लिए बस, तो वो उसमें वो सब उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सो मेरे पास एक पाइथन की स्क्रिप्ट है, वो कुछ नहीं है, इट इज जस्ट एक इन्फिनाइट लूप है, जस्ट टू शो। ये है उसका कोड ना। जब हम लोग इसे रन करेंगे तो एक इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा जो नंबर प्रिंट करेगा। नाउ इफ यू वांट टू किल इट, एंड फॉर एग्जांपल हमारा टर्मिनल हैंग हो गया है या कोई प्रॉब्लम है और हम लोग किल करना है बस इसी प्रोसेस को, तो वी विल फर्स्ट फाइंड द प्रोसेस आईडी। तो इसके 2 तरीके हैं, एक है ps-e डालो और फिर आप इतनी लंबी लिस्ट ढूंढ सकते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब इतना अच्छा नहीं है, काफ़ी इतना एफिशिएंट नहीं है बेसिकली। सो व्हाट वी डू इज, हम लोग एक और टूल है वो यूज़ करते हैं, grep। ग्रेप क्या करता है कि जो ये जो ps वाला कमांड है इससे जितना भी आउटपुट आया वी विल पाइप इट। ये जो क्या बोलते हैं, अगर मैं जूम कर देता हूँ उसको, हाँ, तो ये जितना भी आउटपुट आएगा इधर से वो इस पाइप के थ्रू इस कमांड को ट्रांसफर हो जाएगा। ये पाइप जो ऑपरेटर है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अभी मैं नहीं सिखाऊंगा, बट इन फ्यूचर अगर आप लिनक्स में एंटर करते हो तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो हाँ, हम लोग कर रहे थे पाइथन अपन ने चलाया, तो इस समय तो अपने को पाइथन यहीं दिख गया विद प्रोसेस आईडी, बट फॉर एग्जांपल नहीं दिखता है या हम लोग के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। तो व्हाट वी डू इज ps-e, इसका आउटपुट वी विल गिव इट टू ग्रेप। व्हाट इट विल डू, वी कैन, हम लोग उसको बोलेंगे कि पाइथन शब्द या पाइथन नाम की प्रोसेस ढूंढो इसमें से, तो वो ढूंढने के बाद वो हम लोग को ये वाली पूरी लाइन रिटर्न कर देगा। इसमें से हम लोग को मिल गई उसकी प्रोसेस आईडी विच इज 2533। दिस इज डिफरेंट एवरी टाइम यू रन एंड एवरी पीसी, वो रैंडमली अलॉट होती है ये आईडी। तो अगर हम लोग को इसको किल करना है देन सीरियसली किल और उसके बाद उस प्रोसेस की आईडी, एंड ये देखो टर्मिनेट हो गया यहाँ पर। दिस इज वेरी हेल्पफुल जब आपके पास GUI नहीं है और आपका जो टर्मिनल था वो हैंग हो गया या फिर कोई प्रोसेस है जो पीछे फालतू में चल रही है। जैसे ये तो पाइथन की स्क्रिप्ट थी जिसमें हम लोग पास Ctrl+C करने का ऑप्शन था, वेयर एज फॉर एग्जाम्पल वी हैड क्रोम कभी कभी वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, हैंग हो जाता है। सो अगर हम लोग चाहें तो टर्मिनल खोल के वी कैन टाइप किल और उसकी प्रोसेस आएगी। वी हैव अपने पास टास्क मैनेजर लाइक GUI है लिनक्स में, लेकिन अगर एक बार आप टर्मिनल यूज करना चालू करते हो ना तो वो इट इज लाइक एडिक्शन हो जाता है उसका, एंड इट इज वेरी इजी। बहुत आसान चीजें होती है टर्मिनल से करने के एज कम्पेयर टू GUI। एक बार आपको वो लत लग जाती है ना टर्मिनल की, देन यू कैन नॉट लीव इट, ऐसा। नाउ फॉर किल ऑल कमांड, किल ऑल कमांड के साथ फायदा ये है कि जस्ट अ सेकेंड तो ये अपने स्क्रिप्ट चालू हो गए। किल ऑल कमांड का फायदा ये है वी डोंट नीड टू फाइंड दिस प्रोसेस आईडी, हम लोग डायरेक्टली डाल सकते हैं किल ऑल, हम लोग को प्रोसेस का नाम पता है विच इज पाइथन, किल ऑल पाइथन किया वो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाती है, तो वो अपने को फायदा है। लेकिन किल ऑल कभी कभी प्रॉब्लम ये करता है कि फॉर एग्जांपल अपने पास दो पाइथन की स्क्रिप्ट चल रही हैं, देन वो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है कि वो दोनों को किल कर देगा इंस्टेड ऑफ सिर्फ रोग पाइथन स्क्रिप्ट, बट नॉर्मल यूसेज के लिए किल ऑल इज बेटर क्योंकि प्रोसेस आईडी फाइंड नहीं करनी होती। देन किल हो गया, किल ऑल हो गया। ग्रेप मैंने आपको समझाया, ग्रेप इज काफी इम्पोर्टेंट और काफी अच्छा टूल है इन टर्म्स ऑफ चीजें फाइंड करने में। तो फॉर एग्जांपल इसको बंद करो, हो गया। हाँ, सो वी हैड वो एनिमल्स वाली स्क्रिप्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वी वांट टू फाइंड कि स्क्रिप्ट में डॉग नाम का है एनिमल है या नहीं है। व्हाट वी डू इज ग्रेप फाइल का नाम विच इज एनिमल और फिर जो भी स्ट्रिंग फाइंड करनी है, फॉर एग्जाम्पल डॉग, सॉरी तो व्हाट विल हैपन कि सॉरी सिंटैक्स फॉर टूल का नेम इन दिस केस ग्रेप, फिर जो शब्द फाइंड करना एंड जिस फाइल से फाइंड करना वो अपना लास्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा, ऐसा, ठीक है। सो नॉर्मली जनरली क्या होता है कि ग्रेप जैसे उसको पहला शब्द मिल गया, मतलब इन दिस केस प्रेरी डॉग व्हाटएवर इट इज, सो वो वाला शब्द मिल गया तो वहीं पे अपना सर्चिंग बंद कर देता है। वेयर एज अगर हम लोग चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं उसको थ्रू अ फ्लैग कि जितने भी हैं सब ढूंढो, वो सब आपको ग्रेप सॉरी मैनुअल पेजेस में मिल जाएगा। जैसे एंड ग्रेप इज अ वेरी एक्सटेंसिव टूल, ग्रेप फाइंड ये 2-3 टूल हैं और करके एक और टूल है, सब में नहीं घुसेंगे हम लोग, बट ये बेसिक टूल्स हैं। लेकिन इनका जो यूज केस है वो काफी वाइड है, बहुत जगह यूज हो सकता है ये टूल। और फिर ये तो ग्रेप हो गया। ग्रेप के बाद है फ्री। फ्री इज नथिंग बट वो एक ही कमांड है, बहुत इजी कमांड है, वो आपको बता देगा इसमें ये सब चीजें हैं, ये सब फ्लैग्स मिलते हैं आपको, वो आपको बता देगा कितने आपकी रैम खाली है और कितनी भरी है बस, और कुछ नहीं। लाइक ये दिस इज माई टोटल मेमोरी वीएम की, ये इतनी यूज हो रखी है, इतनी खाली है, बस इसका काम यही है। एंड स्वॉप इज बेसिकली अगर आपको जाना है तो स्वॉप इज योर ऑन बोर्ड मेमोरी, रैम मीन्स वर्चुअल रैम बोल सकते हैं, या अगर आपको विंडोज में पेज पता हो या पेज फाइल पता हो, देन स्वॉप इज सेम बट फॉर लिनक्स, और कुछ नहीं। वो कब तब काम आती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 GB रैम भर गई और उसके बाद प्रोसेस को रैम की और जरूरत है, देन वो स्वॉप फाइल को यूज करेगा उस काम के लिए। देन वी हैव फाइंड। फाइंड इज सिमिलर टू ग्रेप बट फॉर फाइल्स, जैसे अपना सर्च ऑप्शन होता है विंडोज में सर्च करने के लिए या कहीं भी सर्च करने के लिए, फाइंड इज दैट। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम इन माई होम डायरेक्टरी, ठीक है, तो हमें फाइंड चाहिए एनिमल। तो अब यहाँ पे एनिमल्स नाम की कोई फाइल नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स वाले फोल्डर में है वो फाइल। सो वी कैन डू इज फाइंड डैश नेम, ये एक फ्लैग है फाइंड प्रोग्राम के लिए। तो वी कैन से कि एनिमल्स नाम की कोई फाइल है तो वो ढूंढो, एंड एट द एंड वी गिव इट द जगह कहाँ सर्च करना। तो ./ का मतलब है कि प्रेजेंट डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, वेयर एज .@ इज टू गो बैक, वो अपन सीडी में आई थिंक देख चुके हैं। व्हाट इज इट, अच्छा सॉरी इसमें पहले देनी है। तो वो कभी कभी होता है क्योंकि आई थिंक मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला था इसलिए वो चल नहीं रहा था, तो वो होता है कभी कभी। तो हम लोग ने इसको रूट डायरेक्टरी मतलब होम डायरेक्टरी में चलाया आपने। सो वी यूजिंग दिस आप लोगों को पता चलेगा कि एनिमल्स नाम की फाइल इस पोजीशन पे है। तो सिमिलरली बहुत सी फाइल्स फाइंड कर सकते हैं, अपन चाहें तो पैटर्न वाइज भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड टूल काफी मदद करता है उस चीजों में, जैसे वी हैव पूरी हर चीज दी हुई है, काफी बड़ा मैनुअल पेज है इसका। तो बहुत सी चीजें हैं कि हम लोग उस फाइल को थ्रू परमिशंस, क्या परमिशंस है उसके बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं, या उस फाइल का कौन ओनर है उसके बेसिस पे ही फाइंड कर सकते हैं। कि लिनक्स में काफी सारे यूजर्स होते हैं, तो अगर उन्होंने फाइल बनाई है तो अपन उसके बेसिस पे ही फाइंड कर सकते हैं कौन ओनर है, कौन किस ग्रुप की फाइल है, वो सब अवेलेबल है फाइंड टूल के थ्रू। फिर जैसे अभी ये वाला कमांड था एग्जाम्पल्स में जो लिया हुआ है, फाइंड नेम स्टार वन स्टार। तो ये ऐसी फाइल्स ढूंढेगा जिसमें ONES ये शब्द अवेलेबल है। तो इट कैन बी एनी फाइल लाइक क्या हो सकता है, एनी वर्ड जो इसमें हो, ये शब्द इस ही पैटर्न में अवेलेबल हो किसी भी वर्ड में। तो वी कैन यूज दिस टू फाइंड दैट। नाउ DF हम लोग को बताता है कितनी स्पेस खाली है हम लोग के पीसी में और किस किस पार्टीशन में कितनी खाली है। लाइक हम लोग लिनक्स में जब हार्ड ड्राइव्स अलॉट होती हैं तो उनको एक नाम दिया जाता है विच इज इन दिस डायरेक्टरी। वो अपन आगे अभी डायरेक्टरी वाला पार्ट है, ये अगर टाइम हुआ वैसे हो गई काफी टाइम अपना, सो वी विल मूव ऑन टू दैट ऑल्सो कि क्या कौन सी डायरेक्टरी में क्या चीज होती है ऐसा। सो SDA1 SDA2 इस नाम से ड्राइव अलॉट होती हैं इन लिनक्स। जैसे तुम्हारे पास 2 हार्ड ड्राइव्स हैं तो इट विल बी अलॉटेड लाइक SDA और फिर SDB और फिर उसके अंदर पार्टीशन है, देन इट विल बी लाइक SDA1 SDA2 SDA3 फिर SDB1 SDB2 लाइक दैट। सो मेरे पास एक ही डीएम में एक ही हार्ड ड्राइव लगी हुई है और उसमें ये खाली है। अब ये नंबर्स तो किसी इंसान को समझ नहीं आता है बिकॉज ये बाइट्स में फॉर पीसी के लिए अगर यूज करना है। सो फॉर टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लाने के लिए वी यूज -h विच इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को MB और GB के फॉर्मेट में मिल गए जो हम लोग इंसानों के लिए काफी आसान है समझने के लिए। तो इससे अपने को समझ आ जाता है कि 10 GB की हार्ड ड्राइव है, उसमें 4 से 5 GB फिल्ड है और इतनी अवेलेबल है एंड परसेंटेजेस में भी अवेलेबल है, 80% अवेलेबल है एंड सब अलग अलग मिल जाता। देन वी कैन गो टू कर्ल। कर्ल इज काफी इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कमांड है। दिस इज कि अगर तुम्हें कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो वो इससे आसानी फाइल या कर्ल से तो आप अपना किसी वेब पेज का सोर्स कोड भी मतलब जैसे अपन Ctrl U या व्यू पेज सोर्स करके जाते हैं ना तो वो भी आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू डाउनलोड अ फाइल, देन आई थिंक हाँ इसमें है वी हैव दिस फाइल, एक फाइल है ऑन दिस लिंक। ये पूरी फाइल अगर हम लोग को डाउनलोड करनी है तो अपने पास GUI तो होगी नहीं टर्मिनल पर। सो व्हाट वी विल डू इज कॉपी दिस लिंक, द कमांड का नेम विच इज कर्ल, फिर लिंक पेश किया जो भी लिंक है और उसके बाद -o। अगर हम लोग ये -o नहीं लगाते हैं देन वो जो भी ये जो फाइल है ये पूरी ऐसे ही टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगी। वेट करके दिखाता हूँ। अच्छा कर्ल इंस्टॉल नहीं है। सो टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन वो मैंने आई थिंक स्टार्ट में बताया था। इट इज अ बेसिक कमांड sudo apt install curl एंड दिस कमांड विल डिफर ऑन अलग अलग बेस लिनक्स। लाइक ये Ubuntu है, सो Ubuntu इज बेसिकली बेस्ड ऑन डेबियन। तो डेबियन में जो पैकेज मैनेजर आता है विच इज दैट इज apt और apt get दोनों सेम ही है एंड फिर अलग अलग उस पर अलग अलग जैसे आर्च है, सो आर्च पे यू गेट क्या मिलता है, पैकमैन मिलता है। सिमिलरली चलो कर्ल तो मैं अपने पीसी पे दिखा देता हूँ। we want to download that file. तो अभी मैंने वो नहीं डाला है, डैश ओ वाला फ्लैग नहीं बताया है कर्ल को, तो उसको लगा कि सीधे सीधे आउट ये जो है वो उसको प्रिंट कर देना है। तो ये काम आ रहा है, जैसे मैंने पाइप वाला कमांड बताया था अभी पहले ग्रेप के साथ पीएस वाले टूल के साथ। तो अगर आप चाहो तो सीधे सीधे विदाउट सेविंग, जैसे ये सीपीपी फाइल है तो इसको आप सीधे कंपाइल कर सकते हो, या अगर बैश की स्क्रिप्ट होती तो आप सीधे कर्ल से उसको मंगाओ और डायरेक्ट उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो बैश पे, मतलब बैश रन करने के लिए ऐसा है। तो इन दिस केस अगर इसको डाउनलोड करके स्टोर करना है तो व्हाट वी विल डू इज डैश ओ का इसको फ्लैग बताया कि आउटपुट फाइल का नाम ये रहेगा, और जगह भी बता सकते हैं। अभी तो हम लोग ए डायरेक्टरी में है तो वो यहीं पे स्टोर हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू वही सेम नाम से करना core.c, देन ये उसने डाउनलोड की और हम लोग की डायरेक्टरी में आ गई है वो, एंड वी कैन पूरा उसका सोर्स कोड देख भी सकते हैं। ये आ गई सेम फाइल। आप चाहो तो नैनो भी यूज कर सकते हो, यूजिंग नैनो इज फाइल एडिटर। अगर पहले कवर नहीं हुआ है तो इट इज जस्ट अ फाइल मैनेजर टेक्स्ट एडिटर है वो। तो अगर टर्मिनल पे टेक्स्ट एडिट करना है तो इट इज ग्रेट। काफी सारे हैं, नैनो, विम, ईमैक्स, बहुत सारे हैं। नैनो इज बेसिकली सबसे बिगिनर लेवल पे है, फिर धीरे धीरे विम आता है। उनकी डिफिकल्टी बढ़ती जाती है लेकिन उनका काफ़ी यूजफुल भी होते जाते हैं वो, काफ़ी ऑप्शन शॉर्टकट्स मिलते हैं उसके साथ। सो कर्ल हो गया, देन नेक्स्ट इज ch own। ना अभी मैंने ओनर वाली बात की थी पहले, सो उसके लिए हर फाइल का एक अलग ओनर होता है, जिसने बनाई है वो उसका ओनर होगा। जैसे अगर तुम्हारा पेन है तो तुम उसके ओनर हुआ, लाइक दैट। तो अगर हम लोग इसमें देखें ls डैश la करें, ls कमांड अपन ने सीखा है, एंड la आर टू फ्लैग्स जिसका मतलब है लिस्ट, कि मतलब वो लिस्ट के फॉर्म में दे देगा, एंड a मतलब एवरीथिंग, मतलब उसका हिडन फाइल एंड ये सब भी सब आ जाएगा। वेराज अगर तुम सिर्फ ls चलाते हो तो इस फॉर्म में तुम्हें मिल जाएगा और कुछ नहीं आएगा। सो व्हेन वी डू ls डैश la, हम लोग के पास ये दो नाम दिख रहे हैं, वर्कशॉप क्योंकि इसी यूजर ने बनाया और इसी ग्रुप के लिए है। तो एक यूजर होता है और एक ग्रुप होता है। अगर इस यूजर ने बनाई है फाइल तो वो वही एक्सेस कर सकता है, अगर ऐसी परमिशन सेट की हुई है तो। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक और यूजर बनाया था विद द नेम ऑफ test1। आप चाहो तो कितने भी बना सकते हैं। दिस इज होम डायरेक्टरी, ये आगे आएंगे हम लोग की होम डायरेक्टरी क्या होता है और कौन सी डायरेक्टरी क्या करती है और क्यों यूज होती है। तो अगर हम लोग को एनिमल वाली फाइल का ओनर चेंज करना, तो व्हाट वी डू इज ch own, मतलब चेंज ओनर, फिर जो भी नया ओनर है उसका, फॉर एग्जाम्पल test1, और फिर उसका ग्रुप भी सेम करना है हमको कि ओनर भी वही हो और उसी के ग्रुप। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद फाइल का नाम। नाउ ये ch own ऑपरेशन इज नॉट परमिटेड बिकॉज ये रूट लेवल ऑपरेशन है। अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में इसके पहले sudo पढ़ा था कि वो सुपर यूजर do है, उसका मतलब कि हम लोग के पास अथॉरिटी नहीं है लेकिन रूट के पास है, तो हम लोग कुछ कमांड उसके थ्रू चलवा सकते हैं। तो इफ वी ऐड sudo इसके पहले, नाउ ऑपरेशन नॉट परमिटेड का एरर नहीं आएगा, एंड उसके ओनर और ग्रुप दोनों चेंज हो गया। नाउ हर फाइल के साथ दो तीन चीजें अटैच होती हैं, जैसे ये ओनर है, ये उसका ग्रुप है, और फिर ये उसकी परमिशंस हैं। परमिशंस 3 तरह की होती हैं, इसमें ऐसे आपको दिख रहा होगा। हर तरह की परमिशन के 3 बिट्स होते हैं, 1 2 3 1 2 3, और इस पे ये आखिरी के 1 2 3, और ये लास्ट वाला है, यहाँ d लिखा हुआ है विच मीन्स इट इज अ डायरेक्टरी और कुछ नहीं। तो 3 ग्रुप्स आर ग्रुप यूजर, ओनर एंड एवरीवन, ये इस तरह से होते हैं। और फिर बेसिक तीन परमिशंस हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। ये हम लोग हर फाइल के लिए चेंज कर सकते हैं। जैसे हाँ, ये इस कमांड से chmod, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कमांड है। अगर आपको इस फाइल, किसी को इस फाइल की एक्सेस नहीं देनी है तो भी वो तुम सेट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल सर्च न्यू फाइल, जैसे एक नई फाइल बनाई, अभी वो ब्लैंक है, तो उसके अंदर हम लोग लेंगे टेस्ट फाइल टेक्स्ट एंड वो अपन सेव कर देंगे। तो उसके अंदर टेक्स्ट आ गया। तो कैट, आई थिंक कैट कमांड, उसका नाम है कैट कनेक्ट, मतलब वो है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा मुझे, लेकिन स्टिल वो बेसिकली आपको टेक्स्ट दे देता है और आप चाहो तो दो तीन फाइल उसके साथ मर्ज कर सकते हो। ऐसा है उसका काम। मोस्टली वो फाइल्स डिस्प्ले करने के लिए काम आता है अगर आप टर्मिनल पे हो तो। अगर हम लोग को इस उसकी फाइल की परमिशन चेंज करनी है, जो कि अभी है हर यूजर के लिए रीड राइट और एवरीवन के लिए, मतलब अगर ये रूट यूजर, इस ग्रुप के यूजर्स के लिए और इस यूजर के लिए, अभी इन दिस केस तो दोनों वर्कशॉप है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन वो आप जब अगर आप एंटर करते हो तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। ये पॉइंट, ये जो chown और chmod ये सब जो चीज़ें हैं सब इंटरमीडिएट लेवल की हैं और काफ़ी एडवांस आ जाती हैं, लेकिन एक बार आपको थोड़ा बहुत समझ आता है, जब आप उसके साथ खेलते हो ना, तो आपको उसकी पूरी क्लैरिटी समझ आ जाती है, क्यों यूज़ होना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ। तो हर बिट के लिए अगर नंबर वाइज देना है तो ये कैसे हटेगा? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नंबर बाई नंबर के वाइज देना है परमिशंस, तो रीड परमिशन की बिट की वैल्यू होती है 4, राइट परमिशन की वैल्यू होती है 2 एंड एग्जीक्यूट की होती है 1। तो टोटल 4, 5, 6, 7, दैट इज वाई 7 इसका दिया हुआ है यहाँ पर। तो अगर हम लोग को एग्जाम्पल, और जैसे मैंने आपको बताया था, 3 तरह के परमिशंस हैं, एवरीवन, यूजर और फिर ग्रुप, या यूजर ग्रुप और वो होता है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो देखा जा सकता है वो बाद में, इट डजेंट मैटर अभी। तो अगर आप चाहो तो 7, 6, 5 जैसा इधर दिया हुआ, वो अगर उस तरह से इस फाइल की परमिशन चेंज करते हैं, तो ये देखिए 7 मतलब रीड राइट और एग्जीक्यूट, बिकॉज 7 + 2 + 3 = 1 is 7। तो ओनर को, या जो ओनर है उसको सारी परमिशंस अवेलेबल है, एग्जीक्यूट के भी। नाउ फॉर ग्रुप यूजर्स हम लोग ने डाला था 6, बिकॉज 4 + 2 is 6, रीड और राइट परमिशन देनी थी हम लोग को, इसलिए तो वो हो गया rw एंड x की जगह ब्लैंक। एंड फॉर एवरीवन एल्स हम लोग ने 2 दी थी, रीड और एग्जीक्यूट, विच इज 4 + 1 = 5। सिमिलरली आपको जिस तरह की परमिशन देनी है आप सेट कर सकते हो उसको, आप चाहो तो आई थिंक जस्ट अ सेकंड ट्राई करते हैं। तो अब ओनर के पास अब इसकी कोई भी एक्सेस नहीं है। तो देखें अभी मैंने इस फाइल को खोलने की कोशिश की तो परमिशन डिनाइड होगी। सिमिलरली अगर मैं नैनो से भी खोलता हूँ तो एरर रीडिंग फाइल परमिशन डिनाइड, बिकॉज ओनर के पास इसकी कोई भी एक्सेस नहीं है। इसको सिर्फ ओनर के अलावा सारे लोग और जो ग्रुप में है वो लोग यूज कर सकते हैं, और कोई नहीं। नाउ हाँ, कमांड सब खत्म हो गया। मैंने एक कमांड बोला था यूजर ऐड का, वो और उसके साथ पासवर्ड, वो बचा हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अगर लिनक्स में एक फाइल होती है एक्सी पासवर्ड, मतलब एक्सेट्रा फोल्डर में पासवर्ड डी फाइल होती है, उसमें जितने भी यूजर्स हैं सब लिस्टेड रहते हैं, एंड काफ़ी सारे काम के नहीं है, इट इज जस्ट फॉर सिस्टम की वर्किंग, लाइक मेल वाला। तो लिनक्स के अंदर एक मेल सर्वर आता है, तो एरर लॉग एरर का उनके लिए वो अपने को अभी ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली मैन, जो भी मैनुअल पड़ा था उसके लिए अलग आता है। ये www डेटा है, मतलब www डेटा, दिस इज जस्ट फॉर अगर आप लिनक्स पे वेब सर्वर चालू करते हो तो वेब सर्वर को हम लोग अलग फाइल की परमिशन दे सकते हैं कि तुम इतनी ही यूज कर सकते हो। तो बाय चांस अगर आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज भी होता है, आपको कोड एग्जीक्यूशन मिल जाता है किसी वेबसाइट पर, तो आप सिर्फ इसी यूजर पे लिमिटेड रहोगे। वेयर अगर आपने अपने यूजर की दे दी तो वो काफी हार्मफुल है सिक्योरिटी वाइज। तो इसलिए हम लोग एक नया यूजर बनता है और उसको ही उस फाइल्स की एक्सेस होती है, उतनी ही फाइल जो वेब सर्वर में लगी उतनी फाइल्स की एक्सेस होती है। हाँ, सो अगर मैंने लास्ट test1 और test2 ये दो ऐड किए हैं, तो अगर एक नया यूजर ऐड करते हैं सूडो लगेगा बिकॉज यूजर ऐड करना एक रूट लेवल थिंग, सो वो अपने को नॉर्मल यूजर्स को नहीं होती है अवेलेबल। यू कैन डू इट, मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे एक्सेस दे दो, बट हर इंसान को लगती नहीं है। तो इट इज लाइक एक फॉर्मेट है कि इतनी ही तरह की परमिशन यूजर को दी जाएंगी, उससे आज देने का कोई मतलब नहीं है। फिर सो हाँ यूजर ऐड नाउ हम लोग हर यूजर की एक होम डायरेक्टरी होती है। इस फोल्डर ये जो होम डायरेक्टरी है इसमें मेरे पास दो अगर यूजर हैं, एक वर्कशॉप है और एक test1 है। सो test1 अभी मैंने दिखाया था वर्कशॉप। तो जितने भी आपकी होम फाइल्स या कंफिगरेशन फाइल्स होंगी एक यूजर रिलेटेड, वो इसी फोल्डर में रहेंगी। लाइक यू कैन सी जितनी भी डॉट से चालू हो रही हैं फाइल्स, ये मोस्टली लॉग फाइल्स या टेम्परेरी फाइल्स हैं, नहीं तो कॉन्फिग फाइल्स हैं जितनी भी दिख रही हैं आपको। बाकी सारी आप जिसके पीछे डॉट नहीं लगा वो सब आप यूज कर सकते हो। और डॉट लिनक्स में किसी भी फाइल के आगे आप अगर डॉट लगाते हो वो एक हिडन फाइल बन जाती है। तो अब अगर हाँ हम लोग यूजर ऐड कर रहा था, स्क्रीन क्लियर कर रहा था। हाँ तो वी यूज यूजर ऐड डैश एम से क्या होता है कि अपन जब यूजर बनाएंगे तो यही कमांड आपको एक होम डायरेक्टरी बना के दे देगा। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यूजर बना रहे हैं ABCD, तो ये एग्जीक्यूट हो गया कमांड, एक नया यूजर बन गया है। ठीक है, हाँ ये आप उसकी होम डायरेक्टरी आ गई और जितनी भी परमिशंस हैं और उसका ओनर और उसका ग्रुप दोनों वो सेट हो गया है। ये उसके अंदर भी जितनी फाइल्स हैं सबका ओनर और ग्रुप उसी के लिए सेट हो गया। लेकिन अब सिर्फ अभी से यूजर बना है, वी डोंट हैव उसका पासवर्ड भी सेट नहीं हुआ है ना कुछ। सो अगर राइट नाउ अगर अभी हम लोग स्विच यूजर करेंगे उस यूजर के लिए तो पासवर्ड मांगेगा, लेकिन उसके लिए पासवर्ड सेट ही नहीं। तो टू सेट दैट हम लोग ने पहले पढ़ा था पासवर्ड डी वाला कमांड। हाँ ये वाला, तो इससे हम लोग पासवर्ड सेट कर सकते हैं यूजर का। तो फॉर एग्जाम्पल sudo password D and name of user which is ABCD in this case. अब नया पासवर्ड जो भी उस ABCD यूजर का रखना है, तो इन दिस केस 1234 रख दिया हमने। नाउ उस यूजर का पासवर्ड सेट है एंड अगर अब हम लोग ABCD में स्विच करने की कोशिश करें देन वी कैन डू दैट। देखो अब हाँ हम लोग का यूजर चेंज हो गया फ्रॉम वर्कशॉप टू ABCD एंड हम लोग अगर उसकी होम डायरेक्टरी में जाने की कोशिश करें तो विच विल बी home/abcd। ये हर यूजर के साथ होता है। और सिमिलरली अगर अपने को खुद के यूजर का पासवर्ड चेंज करना है तो हम लोग सेम कमांड से बस abcd की जगह अपना खुद का यूजर नेम रख सकते हैं, तो वो चेंज हो जाएगा और हर यूजर के लिए चलता है। एंड हाँ हम लोग ने अभी वो देखी थी पासवर्ड डी वेरीफाइड, तो उसमें हम लोग ने अभी abcd वाला जो यूजर ऐड किया वो भी आ गया होगा वहां पर। ये देखो ये आ गया उसका। एंड हर एंट्री के आगे उसकी होम डायरेक्टरी दी होती है विच इज दिस। तो अब आई थिंक कमांड सारे खत्म हो गए है ना। हाँ तो कोई क्वेश्चन है? हाँ कैन यू एक्सप्लेन कर्ल अगेन? ओके कर्ल इज कुछ नहीं, उसमें फाइल अगर जैसे डाउनलोड करनी है उन्होंने ये वाला लिंक ले लिया दिस इज द फाइल जो हम लोग को डाउनलोड करनी है, कॉल फिर लिंक जो भी जहाँ जो भी फाइल डाउनलोड करनी है, फिर डैश ओ भी उसको समझ आ जाता है कि सीपीयू यू कैन सी यहाँ पे आ गया वो फाइल कर्ल डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट समझ आया क्या? ओके ओके आई नीड टू यूज sudo su एवरी टाइम व्हाई सो सो व्हाट आर यू डूइंग करना क्या चाह रहे हो विद दैट? sudo su is normally for I think getting into the root user और वो हमेशा रिकमेंड, हाँ जैसे अगर तुम कैली यूज कर रहे हो देन वो इट इज अ रिकमेंड वो है क्या बोलते हैं कंपल्शन है, और वो भी अब कैली के नए वर्जन में हट गया है, इट इज नॉट नेसेसरी। कैन यू एक्सप्लेन तुम क्या कर रहे थे जो sudo su करना पड़ता है हर बार? IF config, ओके, सो IF config क्या करता है कि आपको हर उसकी इन्फो देता है, हर क्या बोलता है नेटवर्क अडाप्टर की। तो नेटवर्क अडाप्टर एक्सेस करना इज अ रूट लेवल समटाइम्स, अगर आपका सेट नहीं है उसमें थोड़ा क्या बोलते हैं परमिशन या कुछ होता है, शब्द क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, कैपेबिलिटी, हर यूजर की एक कैपेबिलिटी सेट करनी पड़ती है, अगर वो सेट है then you do not need to use if config as a root user। और similar problem आएगी अगर आपके user में वो capability set नहीं है तो आपको curl और wget के लिए भी sudo करना पड़ता है, वो problem आती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा knowledge है और अगर आप capability वो set कर देते हो then आपको if config करने की जरूरत नहीं, sudo के साथ if config करने की जरूरत नहीं है। प्लस if config अब धीरे धीरे निकाला जा रहा है बिकॉज डेप्रिकेट हो गया, उसकी जगह एक नया टूल आ गया आईपी करके, सो वो अब यूज होता है नए कैली में भी, अब आपको आईपी ही मिलेगा इंस्टेड ऑफ आई एफ कॉन्फिग। समझो जाओ कोई काम, ओके भैया की जरूरत नहीं इसलिए ठीक है। फिर हिमांशु का इज ग्रेप केस सेंसिटिव, हाँ उसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलता है, आप चाहो तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि इसी केस में ढूंढना, या आप चाहो तो बोल सकते हो कि नहीं कोई भी केस ना हो, उसके लिए भी अलग फ्लैग है। जस्ट अ सेकंड मिल जाएगा मैन पेज में केस, ये देखो इन इग्नोर केस विच मीन्स कि अगर आपको बोथ पैटर्न में चाहिए आउटपुट तो आप कर सकते हो। नॉर्मली इट इज केस सेंसिटिव, अगर आप डैश आई डालते हो फ्लैग देन वो हो जाएगा नॉट केस सेंसिटिव, किसी भी केस में चलेगा। फिर Yes we can, but okay वो समझाया था, हाँ करो we can वो kill all के कमांड से we can directly kill it by using ये प्रोसेस का नेम। हिमांशु find नहीं चलेगा because find is for searching files not text, grep text find करने के लिए लगता है, find सिर्फ फाइल के लिए, grep सिर्फ टेक्स्ट के लिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसका टेक्स्ट इसमें पाइप होता है, मतलब ट्रांसफर होता है ग्रेप कमांड को। तो और कोई डाउट है या कोई डाउट नहीं समझ आया? पहले भी अगर कोई डाउट रह गया हो किसी मन में है तो बोल सकता हूँ। ठीक है चलो वी विल मूव ऑन। तो लिनक्स में क्या होता है कि हर लिनक्स में एक रूट डायरेक्टरी होती है, मतलब उसका एक फाइल सिस्टम होता है। जैसे अपना विंडोज में क्या होता है सिर्फ सी होता है, सी के अंदर ही सब होता है। लिनक्स में और अपन अलग अलग पार्टीशन बना सकते हैं, सी डी और अलग अलग, वेराज लिनक्स में वो ऑप्शन नहीं, अब लिनक्स का पूरा फाइल सिस्टम सब कुछ अलग ही है। तो अपना क्या होता है कि हर लिनक्स के रूट में ये फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं। सॉरी, और कोई भी टूल जब तुम यूज करते हो, तो जैसे विंडोज में है, तो विंडोज में फॉर एग्जांपल तुमने कोई टूल यूज किया तो उसका एक फोल्डर, जैसे फॉर एग्जांपल वीएस कोड इंस्टॉल किया है फॉर एग्जांपल, तो वीएस कोड रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी सब एक फोल्डर में आ जाएंगे, है ना, कि वीएस कोड की ये चीजें हैं, इतनी इतनी लाइब्रेरीज यूज करता है, सब एक फोल्डर में डाल के दे दो। लिनक्स उस मेथोडोलॉजी के साथ नहीं चलता मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ जगहों पे होता है, वो आगे बढ़ेंगे तो समझ आएगा। वो क्या करता है कि हर चीज के अलग फोल्डर बना देता है और उसकी रूट डायरेक्टरी में जो सब हर एप्लीकेशन को एक्सेसिबल है। तो उससे क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल दो एप्लीकेशन है जिसको सेम लाइब्रेरी चाहिए, तो वो दो बार उसकी दो कॉपी नहीं बनाता, वो उसको एक फाइल दे देता है कि एबीसी नाम की लाइब्रेरी है, तुमको भी चाहिए, तुमको भी चाहिए, तो तुम एक ही फोल्डर यहाँ से एक्सेस कर लो, इंस्टेड ऑफ तुम अपनी कॉपी रखो, तुम अपनी कॉपी रखो। तो उससे क्या है, जगह बचती है और कंफ्यूजन भी कम होता है। प्लस अगर ये लिनक्स को अलग से उस लाइब्रेरी को अपडेट करना, देन इट इज उस लिनक्स के लिए काफी ईजी, तो वो यूज कर सकते हैं। सो अभी अपन मैं थोड़ा भटक गया था, वी विल मूव ऑन टू पीपीटी वापस। तो ये है बाइनरी बिन फोल्डर। बिन फोल्डर क्या करता है कि हर प्रोग्राम की आपको एक बाइनरी दे देता, मतलब एक उसका समझ लो लॉन्चर दे देता, इसमें आपके पास सब जितने भी, जैसे अपने अभी डीएफ रन किया था, फिर और क्या रन किया था, पिंग रन किया था, सब कुछ यहाँ मिल जाता, जितनी भी एप्लीकेशंस आपके पीसी पे इंस्टॉल्ड हैं और रनेबल हैं। फायरफॉक्स भी होगा इसमें यहीं कहीं पर, अगर इंस्टॉल्ड है तो, इंस्टॉल्ड नहीं है उसका, इसलिए तो एवरीथिंग हर सब कुछ यहाँ पे होगा। आप जो भी टूल रन करते हो इस पे टर्मिनल पे, जैसे अपन ने अभी ग्रैब किया था, तो सब यहीं से लिंक होता है। दो डायरेक्टरीज हैं, एक ये है और एक यूजर बिन है। लाइक अगर हम लोग को ग्रैब की लोकेशन फाइंड करनी है, तो विच कमांड क्या करता है कि जो भी टूल है वो बता देता है कि ये टूल कहाँ से रन हो रहा है। तो इन अगर हम लोग ग्रैब चलाना है तो ग्रैब हम लोग का बिन वाले फोल्डर से रन होता है, हम लोग को ग्रैब यहाँ कहीं अवेलेबल होगा। हाँ, ये देखो ये ग्रैब अवेलेबल है यहाँ पर, तो वो जो भी एप्लीकेशन है वो सब यहीं से रन होती है। ये लिनक्स को पता चलता है थ्रू एक वेरिएबल होता है पाथ। हर बार जब आप टर्मिनल खोलते हो तो वो सेट होता है। वो अभी इन डेप्थ घुसना मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए इट विल बी बेटर कि इतने पाथ हैं, इतने पाथ टर्मिनल को पता है, तो आप जब भी कोई भी कमांड डालोगे तो वो एक एक करके हर जगह पे ढूंढेगा, कि पहले ढूंढेगा कि यहाँ पे है क्या वो कमांड, फिर यहाँ पे है क्या, फिर यहाँ पे है क्या, फिर एक एक करके सब में ढूंढेगा और जैसे ही उसको मिल जाएगा वो रन कर देगा। अगर इनमें से कहीं भी नहीं मिलता तो वो बोल देगा कि एरर कमांड नॉट फाउंड, लाइक दैट। ऐसे हर फाइल के साथ होता, कोई भी कमांड हो, लाइब्रेरी हो, एनीथिंग। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट, एक्सेट्रा। ये डायरेक्टरी क्या करती है कि जितने भी टूल्स इंस्टॉल्ड हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन सब एक जगह पे रख लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन विंडोज में होता है क्या ऐसा, आई डोंट नो विंडोज में होता है या नहीं, बट आई थिंक विंडोज में हर एप्लीकेशन के लिए तो अलग फोल्डर है, उसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसकी। वेराज इन लिनक्स क्या होता है कि आप हर टूल की एक यूनिफाइड जगह है, वहां पे आपको हर टूल की फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर उसको जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए सब मिल जाएंगी। तो सबसे कॉमनली यूज है फॉर एग्जाम्पल SSH की, तो उसमें आप बोल सकते हो कि जैसे ये है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो हाँ, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं ये सब हर यूजर से एडिटेबल नहीं होती हैं, इसके लिए हम उससे सूडो लगाना पड़े, मतलब बेसिकली रूट प्रिविलेजेस साथ करना पड़ेगा, या फिर रूट को बोलो कि ये फाइल की एक्सेस मुझे दे दे, या अगर मैं सिस्टम एडमिन है सिस्टम एडमिन को बोल दो कि ये फाइल की एक्सेस मुझे दे दे, तब तुम एडिट कर सकते हो इस फाइल को। सो जैसे अगर SSH है तो SSH में हर चीज मिल जाती है, ऐसे अगर पोर्ट है तो इस पोर्ट नंबर पे चालू करो, और चाहो तो अगर आई थिंक इसमें रूट परमिशन का होगा कि फॉर एग्जांपल आप बोलो कि नहीं मुझे रूट की तरह, हाँ ये आप बोलो कि नहीं मुझे SSH के थ्रू रूट परमिशन नहीं देनी है, कि मेरा ग्रुप लॉगिन नहीं होना चाहिए फॉर सेफ्टी रीजन, तो आप वो सब कर सकते हो। बेसिकली जब भी आपकी कोई सर्विस स्टार्ट होती है लिनक्स में, तो वो सबसे पहले यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में आके देखता है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन मेरे लिए मुझे बोला गया है कि इस पोर्ट पे चलना है, या कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्या। अगर दिए गए हैं तो वो यहाँ पे आके उसको पढ़ेगा और फॉलो करेगा, अगर नहीं दिए गए तो अपनी जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसको फॉलो करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे एक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हर प्रोग्राम बना कर देता है आपको, ठीक है। जैसे कि SSH ही नहीं, बहुत सी जैसे फायरफॉक्स इंस्टॉल लगा, फायरफॉक्स के फोल्डर में आएंगे तो जैसे प्रेफरेंसेस वाला ये फोल्डर है, तो इसके अंदर काफी चीजें रहती हैं। सो समझ आ ही गया होगा आई थिंक, सब सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ये फोल्डर है और कुछ नहीं। इसके अंदर भी वो बहुत इन डेप्थ जाने की अभी जरूरत नहीं है, वे विल जस्ट ऊपर से देखेंगे। यह है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी मैंने बताया कि हर यूजर की अलग अपनी होम डायरेक्टरी होती है। इट इज बेसिकली जैसे हम लोग हर पार्टीशंस बनाते हैं, हम इसमें पार्टीशंस नहीं होता, हर इंसान को एक उसका होम डायरेक्टरी दे दी जाती है और फिर उसके अंदर उसको जो करना है करे, उसके अंदर उसको फोल्डर बना के काम करना है या जो करना है कर सकता है, लेकिन पार्टीशंस नहीं होता इसमें। इसमें आप ये सेट कर सकते हो कि एक हार्ड ड्राइव को अगर आपको पार्टीशंस की थोड़ी नॉलेज हो तो यू कैन डू कि अगर इतना 10 GB आप होम को दे दो और इसका एक पार्टीशन सेट कर दो कि अगर तुम्हारे पास एक अलग हार्ड ड्राइव है तो तुम बोल सकते हो कि ये हार्ड ड्राइव मैं होम पार्टीशन को देना चाहता हूँ। तो इन फ्यूचर अगर तुम्हारी रूट डायरेक्टरी या जो तुम्हारा लिनक्स जिस पे इंस्टॉल्ड है वो वाली हार्ड ड्राइव को कुछ होता है या तुम्हारा लिनक्स इंस्टॉलेशन थोड़ा खराब हो जाता है, तुम्हें री इंस्टॉल करना पड़ रहा है, तो तुम जो तुम्हारा मेन होम वाला डेटा है वो तुम दूसरी हार्ड ड्राइव पे सेफ रख सकते हो। सिमिलरली कोई भी अगर तुम जैसे तुम्हें अगर थोड़ा इन फ्यूचर समझ आता है कि हर रूट हर फोल्डर का क्या काम है अलग अलग, तुम चाहो तो हर फोल्डर को अलग पार्टीशन अलॉट कर सकते हो उसका। इट इज नॉट कंपल्सरी करना ही है, लेकिन अगर तुम चाहते हो उतनी लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन की इस पार्टीशन में इतना ही होना चाहिए, इतनी ही जगह लेनी चाहिए, देन यू कैन डू दैट। वो कुछ भी कर सकते हो तुम लिनक्स में। फिर हो गया टेम्परेरी। टेम्परेरी जैसा नाम है वैसा काम है, टेम्परेरी फाइल स्टोर करता एंड ये जब भी अपना पीसी रिस्टार्ट होता तो ये क्लियर हो जाती है और नई फाइल्स आ जाती हैं जो उनकी स्टार्टिंग में बनती हैं। मोस्टली सिस्टम ये सर्विसेज जो चालू रहती हैं उनकी फाइल्स होंगी, या फिर कैन बी एनीथिंग, तुम चाहो तो अगर लिनक्स पे गेम खेल रहे हो तो गेम की फाइल्स भी हो सकती हैं। फिर आ गया बूट डायरेक्टरी। बूट डायरेक्टरी अगर किसी ने भी लिनक्स इंस्टॉल करके ट्राई किया है कभी भी, तो यू नो कि जब स्टार्ट होता है लिनक्स तो एक ग्रब बूट मैनेजर आता है या एक आपको सिलेक्शन मिलता है कि ये वाला उबंटू करना है, ये करना है, ये करना, दैट इज योर बूट लोडर, वो ग्रब है उसका नाम। तो उसके रिलेटेड जितनी फाइल्स हैं वो सब इस पार्टीशन में स्टोर होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्टीशन है, इसको मैनुअली छेड़ना इज नॉट वेरी रिकमेंडेड अंटिल एंड अनलेस आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। सो अगर आपने छेड़ी तो इट माइट लीड टू कि आपका लैपटॉप बूट होना बंद हो जाए। इट विल नॉट कि आपका लैपटॉप खराब हो गया है ऐसा कुछ, वो लिनक्स में जाना बंद कर देगा, उसको रास्ता नहीं पता होगा कि लिनक्स में घुसना कैसे है या लिनक्स स्टार्ट कैसे करना, उसको ये नहीं पता होगा। तो बेसिक बूट लोडर का काम है कि लिनक्स चालू करना और कुछ नहीं। इट इज लाइक अगर तुम्हें जनरेटर चालू करना आता है तो आता है, अगर वो वाला छुट्टी पे जनरेटर चालू करने वाला इंसान छुट्टी पे है तो तुम्हें नहीं आएगा, वो जनरेटर चालू करने वाला इज अ ग्रब, ऐसा आप बोल सकते हो। एंड एग्जाम्पल्स थोड़े खराब हैं लेकिन बेयर विद मी, ठीक है। सो लिब इज जैसा नाम है वैसा काम है, हर डायरेक्टरी का सेम ही है, जैसा नाम वैसा काम। लिब मतलब लाइब्रेरीज, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जैसा मैंने ये बताया था कि हर जैसे VS कोड के जितने भी फाइल्स हैं, और अगर स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि अगर VS कोड को 10 एक्स्ट्रा फाइल्स चाहिए तो वो लिब वाले फोल्डर में होंगी, तो अगर वही फाइल्स अगर एबीसी प्रोग्राम को यूज करनी है तो वो डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो उसको अपनी वापस डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी लाइब्रेरी। फिर है ये CD-ROM वाला, अब तो यूज नहीं होता मोस्टली बिकॉज CD-ROM ड्राइव हट रही है धीरे धीरे, और अगर होता भी है तो उसकी पार्टीशन सॉरी स्पेस फोल्डर अलग कर दिया गया। बहुत कम दिखता है ये फोल्डर, लाइक अगर देखा जाए तो इसमें है क्या, हाँ देखो Ubuntu में अब नहीं है, Ubuntu में है। Whereas अगर मैं अपने मेन सिस्टम पे जाता हूँ तो इधर नहीं है, इधर यू विल ओनली सी CD-ROM का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। तो अब धीरे धीरे वो हटाया जा रहा है बिकॉज उसका प्रेवलेंस कम हो गया, कम ये बहुत कम लोग यूज करते हैं वो, इसलिए। फिर एक अब ये है डेव फाइल, डेव फोल्डर। लिनक्स में ऐसा होता है कि हर चीज को फाइल की तरह दिखाते हैं, चाहे तुम्हारी जैसे बेसिक से बेसिक चीज लाइक तुम्हारी लैपटॉप की ब्राइटनेस है वो एक टेक्स्ट फाइल या फिर एक फाइल में स्टोर होती है। उस कॉन्सेप्ट का लिनक्स में बोलते हैं एवरीथिंग इज अ फाइल, हर जगह यूज होता है। तो क्या होता है कि अगर तुमने कोई हार्ड ड्राइव लगाई या पेन ड्राइव लगाई तो उसका एक डेफ फोल्डर में एक एंट्री आ जाती है। जैसे अगर ये देखो SDA1, SDA2, SDA5 ये तीन पार्टीशन बने हुए हैं इन माई VM। अब वो क्या क्या है मुझे याद नहीं है लेकिन अलग अलग है, एक बूट लोडर का होगा, एक रूट का होगा, एक होम का होगा, ऐसे ऐसे बने रहते हैं। दीज आर पार्टीशन नंबर्स। तो अलग अलग पार्टीशन आ जाते हैं। फिर अगर तुम्हें सिर्फ डिवाइस एक्सेस करना है तो तुम ये कर सकते हो, और अगर तुमने कोई पेन ड्राइव लगाई लाइक फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव छोड़ो, फॉर एग्जांपल एक सर्वर पे तुम्हारे पास हार्ड ड्राइव लगी हुई है लेकिन तुम चाहते हो कि हमेशा एक्सेसिबल ना हो, बंद रहे, जब मुझे एक्सेस करनी हो तो ही करूँगा, तो मैं क्या करूँगा कि माउंट करके एक कमांड होता है लिनक्स में, तो मैं चाहूँ तो उसको इस एक माउंट एक फोल्डर में माउंट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर पेन ड्राइव हुई तो आई विल ट्राई टू शो यू, आई थिंक टाइम तो है अपने पास। चलो आखिरी में देखते हैं। हाँ तो इसमें हर चीज आ जाती है, हर डिवाइस आ जाता है, इसीलिए उसका नाम है डेव। डेव मतलब डिवाइस, तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और नॉट ओनली आपकी हार्ड ड्राइव्स, अगर आपका माउस कनेक्टेड है या आपका कंट्रोलर कनेक्टेड है तो सब एक फाइल के नाम से इसमें स्टोर हो जाते हैं। फिर उसके बाद इस फाइल से उसको बताना कि ये कंट्रोलर है, वो तुम्हारे सॉफ्टवेयर का काम होता है, या फिर अगर तुम्हें नॉलेज है या तुम खुद काम कर रहे हो तुम्हारा काम होता है वो बताना, ठीक है। अब जैसे इसमें एक इनपुट फोल्डर होना चाहिए, हाँ ये देखो ये जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं सबको स्टोर करेगा, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब होने चाहिए इसमें। उसके नाम ये कीबोर्ड और वो सब नहीं होता, जैसे माउस का है, माउस का नाम माउस है। इवेंट्स कैन बी एनीथिंग, ये तुम्हारा कीबोर्ड हो गया या तुमने कोई और कंट्रोलर लगाया फॉर एग्जाम्पल गेमिंग वाला, वो सब इवेंट्स के नाम से सेव होते हैं, या फिर अगर तुम्हारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में सेट किया हुआ है देन वो उस नाम से आएंगे। इट इज नॉट कंपल्सरी कि इवेंट के नाम से ही है या उसके नाम से ही है, कैन बी रैंडम। तो और तो आई डोंट थिंक कि काफी काम का है डेव डायरेक्टरी में, मतलब बेसिक। फिर हाँ डेव डायरेक्टरीज में कुछ चीजें होती हैं जो फॉर लिनक्स एडमिन्स के लिए होती हैं, जैसे एक है रैंडम करके डेस्क होती है, इसमें ये क्या करती है एक रैंडम डेटा प्रेस करती है बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई बड़ी फाइल बनानी है रैंडम फॉर सम काइंड ऑफ टेस्ट, तो तुम ये रैंडम फाइल से डेटा निकलवा सकते हो और विल बी रैंडम, कुछ काम का नहीं होता वो। जैसे ये देखो ये आ गया। सिमिलरली एक होती है जीरो या नल, ये दो क्या होता है कि अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा उठाना है और बस बाहर फेंक देना है तो उसके लिए काम आता है। लाइक वो आता है जैसे अगर तुम फाइंड कर रहे हो और तुम्हारे पास कुछ एरर आ रहा है तो देन यू कैन से कि ये हम मुझे सिर्फ स्टैंडर्ड आउटपुट दो, जितना भी एरर वाला है उसको तुम डेव जीरो पे भेज दो, डेव नल पे भेज दो, तो वहां वो जाता रहे, मुझे नहीं देखना वो, उसके लिए। और उसके लिए और क्या यूज हो सकता है उसका, इट कैन बी कि तुम चाहो तो तुम्हें फॉर एग्जाम्पल अपने लैपटॉप की रीड राइट स्पीड टेस्ट करनी है तो तुम वो कर सकते हो। या फिर स्पीड टेस्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम डाउनलोड करो फाइल और उसको dev0 पर भेज दो, तो तुम्हें पता चल जाए कितनी देर में फाइल डाउनलोड हुई और या कितनी तुम्हारी स्पीड थी, और तुम्हें और रखने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा फिर है अपने पास नेक्स्ट डायरेक्टरी इज मीडिया। मीडिया कंटेन्स अपना मीडिया वाली फाइल, जैसे अपनी पेन ड्राइव और वो सब आ जाता है वहाँ पर, जितने भी माउंटेबल चीजें होती हैं, रिमूवेबल मीडिया डिवाइसेस, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, मतलब एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, एवरीथिंग। और अगर तुम्हारे अगर अभी भी सी ड्राइव है तो अब मीडिया वाले फोल्डर के अंदर आने लग गया, इंस्टेड ऑफ एक और फोल्डर रूट डायरेक्टली मैं आपको सी डी रहा हूँ, उसकी जगह पर सीधे मीडिया वाले फोल्डर के अंदर ही डाल देते हैं, सॉरी माउंट हो जाती है। फिर एक ये है MNT, जैसे अभी मैंने बोला था कि तुम फाइल वो एक हार्ड ड्राइव जो छोड़ी हुई है वो तुम माउंट कर सकते हो, तो तुम चाहो तो ये फोल्डर एकदम खाली होता, दिस इज एकदम डम फोल्डर है, खाली है, एकदम डॉर्मेंट फोल्डर है, तो इसके अंदर तुम चाहो तो कोई भी ड्राइव माउंट कर सकते हो। तो जैसे तुमने वो एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है पीसी में लेकिन कहीं माउंटेड नहीं, कहीं यूज नहीं हो रही है, तो तुम चाहो तो बोल सकते हैं कि ये वाली हार्ड ड्राइव /MNT फोल्डर में माउंट कर दो, तो जितनी भी उस हार्ड ड्राइव में चीजें हैं वो तुम्हें /MNT फोल्डर में दिख जाएंगी, ठीक है। फिर आ गया ऑप्ट फोल्डर। ऑप्ट इज ऑप्शनल फाइल्स। ये तब काम आता है जब कोई सॉफ्टवेयर अपनी खुद की प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में फाइल्स लेके आता है, जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल है VS कोड। VS कोड अब जब लिनक्स से भी आया तो वो अपनी खुद की अलग अलग फाइल्स लेके आया, जैसे अगर देखा जाए तो हाँ ये है स्पॉटिफाई, तो इसमें ये जो फाइल्स हैं ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी ऑन ये लिनक्स की रिपोजिटरीज। रिपोजिटरीज आई थिंक मैंने भी बताया, रिपोजिटरीज इज जहाँ से ये जब अपन sudo apt इंस्टॉल करते हैं तो जहाँ से वो फाइल डाउनलोड होकर इंस्टॉल होती है उन्हें हम लोग रिपोजिटरीज बोलते हैं, तो वहाँ पे वो सब फाइल्स और लिंक सब पड़ा रहता है, और जब अपन कमांड डालते हैं तो वहाँ से फेच होके अपने पीसी पे डाउनलोड हो जाती है, फिर इंस्टॉल होती है, बस और कुछ नहीं। हाँ सो अपन से ऑप्शनल डायरेक्टरी पर, ऑप्शनल डायरेक्टरीज में ये जितनी भी फाइल्स हैं दीज आर प्रोप्राइटरी या फिर क्लोज सोर्स हैं, जो अपने को ओपन में नहीं मिलती हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने लिए खुद से जो और कहीं अवेलेबल नहीं है या उसने अपने प्रोग्राम के लिए अलग से लिखी हुई है तो वो यहाँ से मंगाता है। जैसे अगर हो सकता है कि ये वाली बाइनरी VS कोड ने अपने लिए थोड़ी एडिट की हो, जैसे कि उनके सॉफ्टवेयर के साथ अच्छी चले, तो वो उन्होंने इधर डाल दिया, तो जब VS कोड लॉन्च होगा तो वो पहले यहाँ देखेगा बाइनरीज के लिए, अगर यहाँ अवेलेबल है तो वो यहाँ से उठाएगा, और उसके बाद अगर यहाँ नहीं है देन इट विल गो टू lib या फिर lib32 फोल्डर। lib और lib32 फोल्डर सेम ही है, इट इज जस्ट कि lib फोल्डर इज फॉर 64 बिट बाइनरीज एंड lib32 इज lib64 इज फॉर 64 बिट बाइनरीज, ऐसा और कुछ नहीं। देन proc इज फॉर प्रोसेसेस, जैसे ही मैंने बोला कि लिनक्स में हर चीज फाइल की तरह होती है, तो हर जब भी तुम्हारे पास एक प्रोसेस चालू होती है तो एक फोल्डर बन जाता है लिनक्स के अंदर कि उस प्रोसेस आईडी के साथ, जैसे अभी हम लोगों ने पाइथन चलाया था, फॉर एग्जाम्पल रन करते हैं वही स्क्रिप्ट, तो एंड हाँ अगर तुम एक यूजर में सिर्फ cd टाइप करके एंटर करते हो तो यू विल डायरेक्टली एक उस यूजर के होम डायरेक्टरी में पहुंच जाते हो, जहां भी हो तुम बस cd टाइप करो और तुम होम डायरेक्टरी में आ जाओगे, ऐसा। तो पाइथन हाँ, तो अब ये चालू हो गए, ठीक है ना। इस जैसे अभी अपन ने पहले किल करने के लिए देखा था कि उसकी एक प्रोसेस आईडी थी, हर प्रोसेस की एक आईडी होती है, तो पाइथन के लिए भी पाइथन वाली ऐप के लिए भी एक प्रोसेस आईडी थी अपने को मिली थी, तो अभी अपन अगर वो फाइंड करते हैं तो दैट इज 3574। अब इस नंबर का proc डायरेक्टरी में एक फोल्डर बन गया होगा, proc नंबर क्या था 3574 किधर है 3574 इस नाम का फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर जितनी भी उस प्रोसेस से रिलेटेड चीजें होंगी वो तुम्हें मिल जाएंगी। जैसे 3574 अपन आ गए इस फाइल के अंदर। एंड एक और चीज है कि जिस यूजर ने उसको उस प्रोसेस को चालू किया है उस प्रोसेस के फोल्डर में सिर्फ वही घुस सकता है। अगर वो रूट ने चालू किया तो उस फोल्डर में घुस के वो कुछ नहीं कर सकता है। ये है एक sort of, क्या बोल सकते हैं प्राइवेसी रिलेटेड भी हो सकता है कि अगर दूसरा यूजर कुछ और चला रहा है तो मैं उसकी प्रोसेस में कुछ झांक नहीं सकता या उसकी प्रोसेस को एडिट नहीं कर सकता। ये एक सिक्योरिटी वाइज भी हो सकता है प्राइवेसी वाइज भी हो सकता है जैसा देखना चाहो। सो अब इसके अंदर अलग अलग फाइल्स होती हैं वो काफी अलग होती हैं मुझे फुल आइडिया नहीं लेकिन प्रोसेस रिलेटेड होती हैं। जैसे एक है कमांड लाइन। इस फाइल को अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर हम लोग को मिल जाएगा किस कमांड से ये प्रोसेस चली है और ऐसे ही काफी चीजें जैसे हमने को पता चल जाता है कि मेमोरी में क्या क्या है कैसे कैसे चला है। और जैसे आई थिंक ये देखो कौन सा प्रोग्राम ये इसको चला रहा है और कौन सी डायरेक्टरी में है वो प्रोग्राम। जैसे अपना एग्जाम्पल्स वाले उसमें था और उधर से रन हुआ था। तो फॉर एग्जाम्पल इन अगर अपन ऐसा प्रोग्राम बनाया जो फोल्डर स्विच करता है तो वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा ऐसा भी होता है। एंड दिस इज योर बाइनरी या कंपाइलर या जो भी हो उस जिससे वो चल रहा है जिसकी मदद से वो चल रहा है तो वो इससे वो अपना पाइथन से चल रहा है। सो पाइथन आ गया यहाँ पे। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं इसमें। हाँ इसके बाद आ गया रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी मतलब स्लैश रूट इज कुछ नहीं। जैसे हर यूजर की अलग होम डायरेक्टरी होती है रूट यूजर की डायरेक्टरी स्लैश रूट और कुछ नहीं बस उसमें रूट यूजर जो भी करना है मोस्टली खाली रहती है क्योंकि रूट यूजर कोई भी रिकमेंड नहीं करता कि तुम रूट यूजर की तरह एक्ट करो बिकॉज काफी डेंजरस हो सकता है वो। कैली में भी पहले एज अ रूट यूजर आते थे तो लेकिन आफ्टर ये 20 जो नई लास्ट अपडेट आई है उसके बाद से उन्होंने बोल दिया कि नहीं तुम यही यूजर यूज करो रूट मत यूज करो। इट इज वेरी डेंजरस काफी तुम छोटी सी चीज से भी अपना सिस्टम खराब कर सकते हो। इसीलिए सूडो कमांड का इंट्रोडक्शन हुआ था कि तुम अगर कुछ गलत करने जा रहे हो या तुम्हारी कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हें लगता है कि खराब कर सकती है मतलब पीसी को लगता है कि खराब कर सकती है तुम्हारा कंप्यूटर देन वो तुम्हें रोक देगा कि तुम्हारे पास परमिशन नहीं। वेर एज रूट इज अ यूजर जिसके पास फुल परमिशन है वो चाहे तो जितने भी रूट डायरेक्टरी में फोल्डर्स हैं सब डिलीट कर सकता है इतनी उसके पास पावर है। लेकिन इसी पावर की वजह से इसको बोलते हैं कि नहीं मत यूज करो क्योंकि अगर तुम किसी ने बोल दिया कि rm-rf स्लैश कर दो और तुमने कर दिया देन तुम्हारा पीसी गया इंक्लूडिंग योर होम डायरेक्टरी डेटा एंड सब कुछ ए टू जेड तुम्हारी हार्ड ड्राइव सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट हो जाएगी ऐसा रहता। देन ये रन फोल्डर है इसमें तुम्हारा जितना भी रैम में डेटा है जितनी प्रोसेस की फाइल्स हैं सॉकेट्स ये थोड़ा अपर लेवल स्टफ है। सॉकेट्स आर पोर्ट्स जो होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग उसकी मतलब अगर कोई पोर्ट ओपन है और कौन सी प्रोसेस यूज कर रही है तो वो यहाँ एडेड रहता है और ये सब मोस्टली रैम में होता है। तो अगर मैं जाता हूँ रन वाले फोल्डर में तो उसमें ये सब फाइल्स हैं जो टेम्प फाइल है सूडो का कुछ है एंड एवरीथिंग एंड दिस इज ऑल इन रैम। तो अगर तुमको देखना है आई हैव एन आइडिया देखो जैसे ये वाला जो पार्ट है अगर तुम्हें दिख रहा हो 6.39 दिस इज ये मेरी रैम यूजेज है लैपटॉप की। तो अगर मैं रन वाले फोल्डर में कोई चीज बनाता हूँ तो वो इस रैम में स्टोर होगी। फॉर एग्जाम्पल तो ये देखो आप मेरी रैम यूसेज एकदम से 6 से 7 GB हो गई, बिकॉज मैंने क्या किया 1 GB की एक फाइल बना दी रैम वाले फोल्डर में विथ count1, वो एक ही बार बना जिससे और कुछ नहीं, तो वैसे ही बढ़ गई। अगर मैं वो .a फाइल हटाता हूँ देन मेरी रैम 1 GB से गिर जाएगी एट एन इंस्टेंट। देखो जैसे 1 GB से गिर गई, सो वी हैव डायरेक्ट एक्सेस टू रैम। अपने को अगर कुछ ऐड करना रैम में या डिलीट करना वो अपन तुरंत कर सकते हैं। और रैम अपन बोलते हैं कि रैम की स्पीड कितनी है 1.3 Gbps/s GB/s, ये तो क्योंकि अपन ने 1 GB की फाइल ऐड की थी, अपन ने अगर ज़्यादा ही की होती तो हो सकता है कि ये ज़्यादा होती। यू कैन सी दैट एवरीथिंग कि तुम्हारी इसी वजह से तुम्हें पता लगा तुम्हारी रैम की स्पीड कितनी है, चाहो तुम हार्ड ड्राइव की स्पीड बोल देख सकते हो सब कुछ। एंड ये भी एक डी डी कमांड है, वो इतना यूज में नहीं आता एट द स्टार्ट लेकिन फ्यूचर कर सकता है। मैंने बताया था disk 0 एक डिस्क है, डिवाइस है, ये इसमें कुछ नहीं होता, दिस इज ये एक फाइल जनरेट करता है, इसमें सारी बिट 0 होती है, एकदम ब्लैंक फाइल बट ऑफ अ गिवन साइज। तो 1024 मतलब 8 GB की फाइल में जितनी बिट्स होती हैं वो सब 0 रहेंगी, लेकिन वो स्पेस करेगी मतलब ऑक्यूपाई करेगी। ये काफी फायदेमंद है इस डिवाइस का काम। इन्हें सॉर्ट ऑफ सूडो डिवाइसेस भी बोलता है, ऐसे ही बहुत से डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं। फिर आ गया एस बिन इज फॉर जो बाइनरीज, जैसे अपन ने बिन वाला फोल्डर देखा था, ये वही सेम ही चीज है बट ये वो वाली फाइल्स हैं जब आपका फॉर एग्जाम्पल आपने अगर बाइनरी फाइल्स का फोल्डर अलग बनाया हुआ है, मतलब अलग पार्टीशन बोला हुआ है कि इस पार्टीशन पे ही बाइनरी फाइल्स रहेंगी, तो एस बिन में वो फाइल्स रहेंगी जो वो बाइनरीज रहेंगी जो कि जब आपका फॉर एग्जाम्पल सिस्टम क्रैश होता है या आपका सिस्टम बाइनरी वाला डायरेक्टली माउंट नहीं कर पा रहा, तब यहाँ पे कुछ नेसेसरी या एसेंशियल बाइनरीज रहेंगी जो कि आपको मदद करें। लेकिन अगर आपके पीसी में आपने बोला नहीं है कि मुझे एक अलग बाइनरी चाहिए और ये आपकी अलग अलग बिन का फोल्डर चाहिए, देन समटाइम्स इट इज कि आपका बाइनरी फोल्डर एस बिन और बिन दोनों सेम ही हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा इट इज नॉट क्या बोलते हैं हमेशा नहीं होता, मतलब ऐसा। देन SELinux ये भी हर उसमें नहीं होता, दिस इज जैसे मैंने बोला था रेड हैट स्टार्टिंग में कि रेड हैट वाला जो ओएस है दैट इज बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, तो SELinux भी एक कॉन्सेप्ट है फॉर सिक्योरिटी की, वो काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। वो बस उसके लिए आप अभी समझ लो कि वो सिर्फ ये फोल्डर उसकी फाइल्स या कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करने के लिए होता है ये फोल्डर, बस और कुछ नहीं। या हर उसमें नहीं होता, मोस्टली रेड हैट या फिर फेडोरा या जिस डिस्ट्रीब्यूशन में SELinux इंस्टॉल्ड है या अनेबल्ड है उसमें ही होता है, और किसी में नहीं है। जैसे अपने Ubuntu में नहीं है या फिर मैं जो यूज कर रहा हूँ उसमें भी नहीं है SELinux वाला फोल्डर। फिर /serp इसका मतलब सर्विस डायरेक्टरी, ये बहुत कम यूज होती है, लेकिन इट इज जस्ट कि जैसे मैंने बोला था कि आप वो www डेटा उसको आप स्पेसिफिक फाइल्स की परमिशन दे देते हो कि तुम यही लिख सकते, यही इन्हीं फाइल्स को पढ़ सकते हो या इसमें ही लिख सकते हो या इसी में चेंजेस कर सकते हो। तो वो आप चाहो तो Apache एक वेब सर्वर है और लिनक्स या बहुत से काफी फेमस है, तो वो यूज करता है ये सर्वर डायरेक्टरी या सर्विस डायरेक्टरी। जैसे अभी अगर मेरे में है क्या, हाँ देखो और भी काफी चीजें जैसे FTP सर्वर अगर आपने चालू किया या HTTP सर्वर वही Apache हो गया, तो वो अगर आप इस फोल्डर में फाइल्स डालोगे तो वो FTP पे अवेलेबल हो जाएंगी, ऐसा है। तो जो भी सर्विस है वो इन फोल्डर्स को एज ए रूट डायरेक्टरी यूज करती हैं। फिर है यूजर डायरेक्टरी, यूजर डायरेक्टरी बेसिकली यूजर रिलेटेड फाइल्स स्टोर करती हैं, नॉट होम डायरेक्टरी, मतलब इट विल बी लाइक जो जैसे एक यूजर के पास एक यूजर ने फायरफॉक्स इंस्टॉल किया तो उसकी यूजर डायरेक्टरी में जाके वो फाइल स्टोर हो जाएंगी, और दूसरे ने नहीं किया तो उसको एक्सेस नहीं रहेगा, ऐसा रहता है। फिर एक ये var डायरेक्टरी है, दिस इज सॉर्ट ऑफ फॉर वेरिएबल डेटा, जैसे अपनी लॉग्स हो गए या जो भी वेरिएबल आप चेंज होने वाला है, कॉन्स्टेंटली चेंज होने वाला डेटा है वो यहाँ रहता है। 90% ऑफ द टाइम ये लॉग्स के लिए यूज होता है मोस्टली, या फिर कोई अगर ऐप डेवलपर ने उसको सेट किया है कि यहाँ से डेटा उठाओ या करो तो यूज होता है। और काफी सारे अपाचे को छोड़ के दूसरे जो वेब सर्वर्स हैं वो इन्हें यूज कर, यहाँ ये वाले फोल्डर को यूज करते हैं, इसके अंदर होती हैं फाइल्स। जैसे अपने को अगर फॉर एग्जाम्पल लॉग्स देखनी है तो अपन वेर और लॉग फोल्डर में जाके देख सकते हैं। हर प्रोग्राम का एक फोल्डर है और उसके अंदर अलग अलग फाइल्स हैं, मतलब अलग अलग उनकी लॉग्स हैं। जैसे अगर हम देखो तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टीम व्यूअर इन दिस केस टीम व्यूअर क्रैश हो रहा है, तो तुम इन लॉग फाइल्स में जाके पढ़ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आता है लॉग्स वॉग्स या थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि क्या गलत है नहीं है या सर्विस स्टार्ट नहीं हो रही है यानी कुछ भी हो सकता है, तो इधर से आके डीबगिंग के लिए या उसको रन करने के लिए काफी आसान पड़ता है ये लॉग्स। और वेरिएबल इसलिए क्योंकि ये लॉग्स 24 घंटे अपडेट होती रहती हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे ब्रेव चल रहा है तो मे बी उसकी लॉग्स हो रही हो डाउनलोड, और जैसे ही क्रैश होगा वैसे ही पता चल जाएगा क्यों क्रैश हुआ था एंड एवरीथिंग। फिर आई थिंक पीपीटी खत्म हो गई है। हाँ, सो खत्म हुआ यहाँ पे हमारा सब। एनी कोई डाउट्स है या कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू लिनक्स पूछ सकते हो आप लोग, या कुछ समझ नहीं आया ऐसा कुछ? चैट में भी डाल सकते हो ऐसा। ठीक, वो 2 साल इट इज यूज करने पे ही आता है। जब तुम लिनक्स यूज करोगे देन तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, तभी तुम सीखो। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी चलाना पापा या मम्मी जो भी है एक बार सिखा देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब तुम चलाओगे तब तुम्हें उसके फीचर्स अलग अलग समझ आएंगे, या क्यों गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है फॉर एग्जाम्पल, या क्यों आवाज कर रही है, वो तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगता। सिमिलरली फॉर लिनक्स, तुम जब लिनक्स इंस्टॉल करोगे यूज करोगे ऑन अ डेली बेसिस देन तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें पता चलेगा क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तुम सर्च करोगे, बेसिकली तुम सर्च करोगे गूगल पे कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है वो तुम्हें ऑनलाइन पता चलेगा धीरे धीरे, तभी तुम समझ पाओगे। नहीं तो इट इज नॉट कि तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, लिनक्स इज नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि तुमने एक बुक उठाई और उससे पढ़ लिया। श्योर, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि काफी हायर लेवल पे हैं सिक्योरिटी वाइज, या जैसे मैं SELinux बोला था, वो काफी हायर लेवल चीजें हैं, उनको पढ़ने के लिए बुक लगेगी या तुम्हें कुछ रिसोर्सेज आएंगे। लिनक्स के लिए तुम्हें ऐसे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं, जब तक तुम उससे खेलोगे नहीं, जब तुम खुद इंस्टॉल नहीं करोगे, खराब नहीं करोगे, तब तक तुम्हें नहीं समझ आएगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोल सकता है। वी हैव अराउंड 5 मिनट्स, उसके बाद भी इन फ्यूचर क्वेश्चंस आते हैं तो आई थिंक 1-2 दिन ग्रुप चालू रहेगा तो उस पर भी डाल सकते हो, वी कैन सॉल्व हो जाए। एंड आई वुड रिकमेंड कि जितना सब है वी विल शेयर दी नोट्स, जो अभी आज पीपीटी थी वो हम तुम्हें दे देंगे, खुद ट्राई करो। एक क्या होता है लाइव एनवायरमेंट, बूटेबल पेन ड्राइव बना लो या फिर VM इंस्टॉल कर लो, खुद ट्राई करो और सीखो, और कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप पे डाल सकते हो। आई थिंक मैंने बोला था फॉर VM बट किया नहीं किसी ने। या इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। बग हंटिंग में देखो, सबसे पहले तो सबसे मेन चीज है उसमें लिनक्स, मींस मेन चीज नहीं है बट फॉर मी वो ही एक एंट्री थी, बिकॉज अगर तुम्हें लिनक्स नहीं आ रहा है देन अगर तुम बग हंटिंग करने जाते हो तो 90, जैसे मैं बोला 96% सर्वर्स लिनक्स पे ही हैं, तो बाय चांस तुम्हें एंट्री मिल भी जाती है उसके अंदर देन तुम्हें समझ ही नहीं आ गई क्या करना है, कैसे वर्किंग है उसकी। इसीलिए पहले थोड़ा लिनक्स की एंट्री सीखो, उसके बाद ही एंटर हो पाओगे। प्लस बग हंटिंग के लिए जितनी भी 90% चीजें हैं जो फ्रीडम मिलता है लिनक्स में वो विंडोज के साथ पॉसिबल नहीं है। सो बग हंटिंग में आप घुसना है तो योर फर्स्ट स्टेप वुड बी टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ लिनक्स। बेसिकली लिनक्स पे इतने टूल्स हैं तुम्हारे पास और चाहो तो तुम खुद बना सकते हो, इतना ईजी है उसका। चाहो तो तुम फॉर एग्जाम्पल कर्ल है तो कर्ल को 5 और टूल्स के साथ जोड़ के नया टूल बना सकते हो और तुम उसको पब्लिश कर सकते हो कि जाओ तुम और बाकी लोग भी यूज कर सके हो, ऐसा भी कर सकते हो। काफी बहुत बड़ी सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड है ओपन सोर्स और लिनक्स की। और भी आई थिंक जितने भी सिक्योरिटी लेवल एग्जाम्स होते हैं सब लिनक्स ही होते हैं, विंडोज तो कोई नहीं होता। OSCP या CEH CCNH सब कुछ लिनक्स बेस्ड ही होता है क्योंकि इतना फ्रीडम है लिनक्स पर, कितने टूल्स अवेलेबल है लिनक्स में, इस वजह से। हाँ नो विंडोज बहुत घटिया चीज, मुझे भी अभी एग्जाम के लिए काफ़ी गुस्सा चढ़ी थी इंस्टॉल करने के लिए, प्लस VM पे नहीं चलता। सो विंडोज हटाना है तो फर्स्ट सबसे पहले तो आई वुड रिकमेंड कि अगर तुम्हारा खुद का PC है एंड तुम्हारे फादर या मदर का कोई डेटा नहीं है उसका, तो आई वुड रिकमेंड जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट डेटा है विच मीन फाइल्स मूवीज और वो सब नहीं, फोटोज हो गई हैं वो सब एक जगह बैकअप कर लो, ऑन क्लाउड कर लो या जहाँ भी चाहो वो कर लो। एंड देन डुअल बूटिंग ट्राई करो, अगर तुम्हें डुअल बूटिंग आ गई तो देन स्टार्ट विद दैट। डुअल बूटिंग इज बेसिकली पार्टीशन बनाओ, एक नया पार्टीशन और अपनी हार्ड ड्राइव पर, जैसे अपना लोकल CDE होता है तो वैसे अगर चाहो तो वो यूज कर लो या फिर एक नया पार्टीशन बनाओ उसमें लिनक्स इंस्टॉल करो। देन अगर तुम्हारा विंडोज पहले से इंस्टॉल्ड है देन तुम्हें बूट लोडर सेटअप करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज लिनक्स खुद इंस्टॉल करके दे देता है। प्लस इफ यू गो विथ आई थिंक Ubuntu या पॉपुलर, दोनों Ubuntu बेस्ड ही हैं, वो तुम्हें खुद विंडोज डुअल बूट सेट करके देते हैं। लेकिन मैं डेटा बैकअप इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देयर आर चांसेस कि आप थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दो एंड एट दी एंड तुम्हें विंडोज या लिनक्स री इंस्टॉल करना हो देन तुम्हारा डेटा जाएगा। एंड देयर बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि मेरा डेटा गया लेकिन मेरा बैकअप था सो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसलिए जो मेन इंपॉर्टेंट डेटा है वो बैकअप कर लो, देन अपने PC साथ खेलना चालू करो। एंड अगर तुम्हारे पास बैंडविड्थ है, इंटरनेट बैंडविड्थ, तो वो काफ़ी फायदेमंद होती है बिकॉज तुम्हें लिनक्स में ISOs अलग अलग डाउनलोड करने में बहुत बड़ी होती हैं तो उसमें नेट बहुत जाता है, वो भी एक पॉइंट है। Just a second guys, I have to give you all the feedback form. And then we'll take a final picture and then conclude. No, as such, Parrot versus Kali में कोई डिफरेंस नहीं है। It is just Kali में टूल्स बहुत आते हैं। मेरा इन दोनों में से ऑप्शन रहेगा Parrot, but whereas मैं अपना खुद का बना के यूज कर रहा हूँ। Like मैंने बेस OS अपना खुद का डिसाइड किया एंड देन उसके ऊपर जो जो टूल्स मैं यूज कर रहा था वो इंस्टॉल कर लिए। But as a starting point, I would recommend Parrot वर्सेस Kali में, बिकॉज पैरेट इजी टू इंस्टॉल है एंड काफी आसान है कंपेयर टू Kali। Kali रिसोर्स भी काफी लेता है। चलो आई थिंक टाइम हो गया, अगर और किसी को डाउट्स हैं तो आई थिंक ग्रुप 1-2 दिन के लिए खुला हुआ है तो उस पर डाल सकते हो।